तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, और हमने बात कर ली थी बेटा sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडेशन के बारे में बात कर लिया था बच्चों। यस सर। हम बात कर रहे थे sp3d की, किसकी बात कर रहे थे sp3d की। sp बेटा एक बार फिर से, एक बार फिर से क्या, ज्योमेट्री बेटा, आपको ज्योमेट्री सबकी मालूम होनी चाहिए। ज्योमेट्री का अगर मैं कहूँ sp3 की तो ज्योमेट्री का बेटा टेट्राहेड्रल, यस और नो। sp2 की क्या बेटा, sp2 की क्या, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर और ये एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे, एक बाहर और एक अंदर। ये देखेंगे बाद में, फिर आप लोग इसको मिला लोगे, ऐसा लाइक ऐसा बताऊंगा बाद में। चलो तो कम से कम ज्योमेट्री याद रखेंगे बेटा, इतने का ज्योमेट्री आपको याद होना ही चाहिए, मालूम होना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो हम जो, हाँ तो जो हम जो बात कर रहे थे उस पे वापस आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे sp3d में बेटा। sp3d में अगर लोन पेयर आया तो उस लोन पेयर को हम लोग कहाँ पर रखते हैं बेटा, कौन सा पोजीशन पर रखते हैं? इक्विटोरियल। इक्विटोरियल पोजीशन पर रखते हैं। क्यों रखते इक्विटोरियल पोजीशन पे? ताकि रिपल्शन कम, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो सके, कम हो सके। शाबाश, चलो वेरी गुड बेटा। अगर एक ही लोन पे रहा है, लोन पे अगर एक लोन पे रहा है तो लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन आएगा। दो दो लोन पे रहेंगे बेटा तो लोन पे रिपल्शन होगा, लोन पे बॉन्ड पे भी रिपल्शन होगा। चलिए तो अपन एग्जांपल अपन देखते हैं बच्चों। जैसे अगर एग्जांपल नंबर केस फर्स्ट बेटा, मैं ऐसे ना रैंडम एग्जांपल देते जाऊंगा, आपको मालूम चल जाएगा कि कौन किसका है, कौन किसका है। क्लियर है क्या? जैसे मैं बात करूं PCl5, अरे यस और नो, PCl5, ये केस फर्स्ट एग्जांपल बेटा, केस फर्स्ट। हमने देखा था केस फर्स्ट में क्या था, अरे एक बार फिर केस फर्स्ट क्या था बेटा, केस फर्स्ट केसेस की बात करें, केस फर्स्ट बॉन्ड पेयर कितने थे बेटा, नंबर 5, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, लोन पेयर 0। तो बेटा शेप क्या निकलेगा, डायगोनल बाइपिरामिडल। हाँ, जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही उसका क्या होगा बेटा, शेप हो जाएगा, ठीक है ना। शेप हो जाएगा क्या, डायगोनल बाइपिरामिडल। अरे ठीक है क्या? यस सर। चलिए वेरी गुड। और बेटा केस सेकंड, अगर सेकंड में बात करूं तो अब बॉन्ड पेयर कम करेंगे, लोन पेयर बढ़ाएंगे, लोन पेयर और लोन पेयर को रख देंगे हम कहां पर, इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो हमको मिल जाएगा पाई शेप बोल दो या सी शॉ, अरे यस और नो, ठीक है ना। yes, इसको और क्या बोलते बेटा, डिस्टॉर्टेड इररेगुलर टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। समझ पा रहे हैं क्या? जब लोन पेयर आप रखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटा, ये क्या है, ये पाई है, या फिर आप इसको बोल सकते हो शीशो शेप, या फिर आप इसको बेटा जब आप मिलाओगे तो चार फेस मिलेंगे लेकिन रेगुलर शेप नहीं होंगे उसके, वो बेटा इररेगुलर होंगे, तो या फिर बोलेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, ठीक है। नंबर थ्री बेटा क्या, 3-2, अरे यस और नो, 3-2। तो इसका जो शेप मिलेगा बेटा, आप यहाँ पे ना रखे, अब इक्वेटोरियल में रखना है लेकिन यहाँ पर रखे। क्यों यहाँ पर रख रहे हैं, कम से कम हमको सुविधा हो रही है स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में, समझ, शेप को फाइंड आउट करने में, समझ मार रहे। तो यहाँ पर शेप आपको क्या मिलेगा बेटा, ऐसा कुछ ऐसा, तो ये मिल जाएगा आपको टी शेप, ठीक है ना। केस नंबर फोर क्या बेटा, 2-3, अरे यस और नो, पॉसिबल नहीं है केसेस, बस इतना ही है। एक एक एग्जाम्पल उससे बगल में अगर लिखते जाऊँ, एक एक एग्जाम्पल सुनना मेरी बात ना। जैसे अगर मैं बात करूँ बेटा, 5 बॉन्ड पेयर है, तो 5 बॉन्ड पेयर मतलब ऐसा, 5 बॉन्ड पेयर है मतलब एक ऐसा एलिमेंट सोचे हैं जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, और पांचों के पांचों क्या करता हो बेटा, बॉन्ड पेयर बनाता हो, यस और नो। PCl5। तो नाइट्रोजन फैमिली का होगा,
अरे यस और नो, नाइट्रोजन फैमिली को नाइट्रोजन फैमिली क्या रखते बेटा, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा NCl5, अरे बोलो NCl5, अरे ठीक है इसलिए नहीं है क्योंकि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो एग्जाम्पल क्या बेटा PCl5। अरे समझ पा रहे, एक एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें दिख रहा है, हाँ एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए सबका, तो इसका हो गया बेटा PCl5। अच्छा इसका कौन बताएगा, चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, चार बॉन्ड पेयर मतलब चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर मतलब दो, चार दो छह, छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका होता है, ऑक्सीजन फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली क्या बेटा, हाँ सर, हाँ तो मुझे बताया जाए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एक लोन पेयर रहे, एक सल्फर ले लो बेटा, एक लोन पेयर रहे और चार बॉन्ड पेयर, तो ऐसे अरे समझ में आ रहा है क्या, यस सर, ये एक लोन पेयर होगा बेटा, चार बॉन्ड पेयर भी हो सकता है ना, हाँ SCl4 भी हो सकता है, SF4 SCl4 बेटा हो सकता है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा, एग्जांपल ढेर एग्जांपल आप निकाल सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं, और एकदम हर चीज के पीछे मत पड़ जाना, जो जो क्या बोल सकते बेटा, जो इम्पोर्टेंट है ठीक है ना, स्टैंडर्ड है उतना ही ध्यान रखना, एकदम जबरदस्ती किसी में घुसना नहीं है। चलो इसका बताओ, 3-2 तीन, और यहाँ पर आपको मिलेंगे दो लोन पर मतलब चार इलेक्ट्रॉन, चार और तीन सात, सात इलेक्ट्रॉन किसमें मिलेंगे बेटा, आपको इसे मिलेंगे IF3 ले लो ठीक है ना, या CLF3 ले लो, CLF3 ये सब इसके एग्जांपल है, इसके एग्जांपल बेटा हमने किसके एग्जांपल लिया, हाँ ये ली थी IF3 या CLF3, ये सब इसके एग्जांपल है ठीक है बेटा, yes sir, और दो लोन पेयर, सॉरी दो बॉन्ड पेयर एंड तीन लोन पेयर किसका होगा बताओ, XCF2, हाँ साफ बात, इसका एग्जांपल हो जाएगा ज़ेनॉन, क्लियर है, yes sir, आगे बढ़े बेटा, हाँ सर, चलिए तो कुछ अब इम्पोर्टेंट बात है, मैं डाउन उसको मैं जी सर, चलिए चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग जैसे अब मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इसके बारे में आपसे डिस्कस करके चलता हूँ बेटा, सुनेंगे जैसे बात करते हैं PCl5, अगर ये केस फर्स्ट का एग्जांपल है बेटा, अगर PCl5 है तो PF5 नहीं होगा क्या, PF5 भी होगा, अरे ऐसा और नो होगा ना, अरे हाँ ना बोलो, ASF5 भी होगा, अरे ऐसा और नो ठीक है ना, अरे हाँ ना बोलो बेटा, तो NCl5 भी होगा, अरे हाँ ना बोलो नहीं होगा, नहीं NCl5 नहीं होगा बेटा, ये सबके सब क्या है SP3D। चलो किसी एक एग्जांपल की बात करते हैं, मैं बात करता हूँ बेटा PCl5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PCl5, सुनना मेरी बात बेटा, PCl5 मेनली अब ध्यान रखना, PCl5 में बेटा इसका जो शेप होता है, इसका जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है बेटा, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, एक क्लोरीन ये बीच में क्या है फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, ये एक क्लोरीन, इधर दूसरा क्लोरीन, इधर तीसरा क्लोरीन, है कि नहीं, ठीक है ना, ये आपस में कितने डिग्री का बॉन्डिंग है बेटा, 120, एक इसके बाहर जिसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ बना रहा बेटा, लाइक ऐसा एक क्लोरीन, और एक इसके अंदर लाइक ऐसा, ये हो गया, ये जो अंदर की तरफ है ना बना दिया है, तो अब इसमें ध्यान रखेंगे बेटा, इसको मैंने बताया था, इस प्लेन को मैंने बताया था क्या, ये क्या है इक्वेटोरियल पोजिशन है, इक्वेटोरियल ठीक है ना पोजिशन है, और ये क्या है बेटा, ये वाला क्या है एक्सियल, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान सुनेंगे ठीक है बेटा, ये एक्सियल पोजीशन में जो क्लोरीन है ना, इसको 90 डिग्री के तीन तीन, ठीक है ना बेटा, बॉन्ड एंगल मिल रहे हैं क्लोरीन के, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और इस क्लोरीन को भी नीचे वाले को भी 90 डिग्री के बेटा तीन बॉन्ड एंगल मिल रहा है इसको, ठीक है ना, इसी के ही, तो मेरी बात सुनेंगे, बाकी क्लोरीन में जो है बेटा, बाकी क्लोरीन में जो है 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, लेकिन इसको कितने मिल रहे हैं 90 डिग्री। तो क्या होता है बेटा, ये जो क्लोरीन है ना, ये जो क्लोरीन है, ये वाला क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है समझ लो ऐसा,
जिसके साथ 90 डिग्री में ए, ठीक है ना बेटा, और मतलब एस एफ ले लो इसको थोड़ा सा ऐसा, एक ये दो और ये तीन, तो इस क्लोरीन को ना इन सबका रिपल्सन मिलता है, इसका रिपल्सन सबका इक्वल रिपल्सन मिल रहा है। थोड़ा सा इसको इमेजिनेशन करना बेटा, कर पा रहे हैं क्या बेटा, इसको इमेजिन कर पा रहे हैं? यस सर। मतलब आप ये देखेंगे, आप ये देखेंगे बच्चों, जैसे ये आपका ये जैसे ये प्लेट आपको समझ लेंगे ऐसा कुछ ना, यहाँ पे क्या है, ये सेंटर टर्म फास्फोरस है और तीन क्लोरीन है, एक दो और तीन, ठीक है बेटा, है ना, और चौथा क्लोरीन बेटा यहाँ पर है। तो ये आपस में यहाँ पर जो तीन क्लोरीन थे, एक दो और तीन, ये आपस में बेटा 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे थे, यस और नो? यस सर। और जो चौथा जो क्लोरीन था बेटा वो इनसे 90 डिग्री पे था, तो जब 90 डिग्री में था तो इस क्लोरीन को बाकी तीन क्लोरीन का क्या मिलता है बेटा, रिपल्सिव फोर्स मिलता है। क्या मिलता है? रिपल्सिव फोर्स। इस क्लोरीन को बाकी तीन क्लोरीन, ये क्लोरीन बेटा इससे इससे तीनों से 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल पे है, तो इसको रिपल्सिव फोर्स मिलता है। तो रिपल्सिव फोर्स मिलता है तो क्या होता है बेटा, ये रिपल्सन को कम करने के लिए, रिपल्सन को कम करने के लिए ये तो क्लोरीन है बेटा, ये थोड़ा सा दूर चला जाता है। जब दूर चला जाता है तो फाइनली होता है बेटा ये बॉन्ड एंगल क्या होता है, बढ़ जाता है। मेरे बात समझ पा रहे हो क्या? ये बॉन्ड, अरे ठीक है ना, रिपल्सन को कम करने के लिए वो थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा, दूर चला जाता है। दूर चला जाता है तो क्या होता है, ये बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए था उससे क्या होता है बेटा, बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। बॉन्ड एंगल कम हो जाता है तो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, पुअर हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? अरे हाँ ना बोलो भाई। बॉन्ड एंगल कहाँ साइड पे शिफ्ट होगा? अच्छा बॉन्ड एंगल बोला क्या, बॉन्ड लेंथ, सॉरी सॉरी, बॉन्ड एंगल व्हाट यूज कर रहा था बेटा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, आई एम सॉरी, ये बॉन्ड लेंथ बेटा, आई मेड मिस्टेक, प्लीज करेक्ट इट। सुनिए बेटा, आपने मैसेज किया बेटा, आप अल्फी, आप मैसेज किया करो, अल्फी आप मैसेज करो प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार फिर से मुझसे बॉन्ड लेंथ जो है बेटा वो बॉन्ड एंगल वर्ड निकल गया, ठीक है ना। एक बार फिर से, ये जो क्लोरीन है ना, इस क्लोरीन को आप समझ लें कि यहाँ पर ये क्लोरीन है, ये जो है बेटा ये ऐसा, ये क्लोरीन है, इसको इसका 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 तीनों का बेटा क्या मिल रहा है, 90 डिग्री का एक एंगल मिल रहा है। तो 90 डिग्री के एंगल होने की वजह से इस क्लोरीन को बेटा रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, तो रिपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए थोड़ा सा दूर चला जाता है कि इस क्लोरीन को रिपल्सिव फोर्स कम मिले। तो जब ये थोड़ा दूर जाता है बेटा, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से वो बॉन्ड जो हो जाता है वो कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। तो ये कहानी है बेटा, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन दोनों में होती है, तो इसीलिए बोलते हैं, मैंने आप लोगों को याद करो, मैंने बताया था कि sp3d में अनइक्वल बॉन्ड लेंथ पाया जाता है। मतलब ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ, ये बेटा इसका बॉन्ड लेंथ अलग होता है, ये आपस में सेम होते हैं, ये वाले ये आपस में सेम होते हैं, जबकि ये और ये बेटा ये आपस में सेम होते हैं। इसका ये अगर मैं बोलूं, इसको अगर मैं L1 बोलूं और इस बॉन्ड लेंथ को मैं L2 बोलूं, बेटा L1 ज्यादा होता है L2 से। समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर। ठीक है ना, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ पाया जाता है किसमें बेटा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है ना। तो L1 is greater than L2, तो बेटा कौन आसानी से टूट जाएगा, L1 टूट जाएगा। समझ पा रहे हो क्या, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो बेटा इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि PCl5 जो होता है बेटा, ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसको थोड़ा सा भी हम लोग गर्म करते हैं, हीट करते हैं ना, तो ये PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। कैसे टूट जाता है, मतलब ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, तो PCl3 प्लस Cl2 में टूट जाता है। हमने पढ़ते थे पहले बेटा, याद आ रहा है क्या? इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज्यादा होता है। समझ पा रहे क्या? फिर इसके बाद फिर इसको, इसलिए जो PCl5 है वो गर्म करने पे तुरंत बेटा PCl+Cl2 में टूट जाता है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस सर। यस सर। प्लीज ध्यान में रखेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है बेटा, एक क्वेश्चन और बनता है कि ये आपको PCl5 में या sp3d में जब ऑल बॉन्ड पेयर का केस है, इसमें 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं, 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं, या 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने, ऐसा पूछा भी जाता है, मुझे बताएंगे इसमें 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं, कौन बताएगा जल्दी से?
सर सिक्स सात पांच एक दो तीन ऊपर भी नीचे भी कितने बेटा 90 डिग्री के सिक्स ठीक है ना 120 डिग्री के कितने बेटा तीन कितने तीन और 180 डिग्री के तीन एक बेटा ये 180 डिग्री के एक है ना सिक्स ऊपर भी तीन नीचे भी तीन और तीन छह तेरह बच्चों ठीक है बेटा तो ध्यान रखना ड्यू टू मोर क्या बोल सकते बेटा ड्यू टू मोर रिपल्सिव फोर्स एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो हो जाता है ना बेटा वो थोड़ा सा बढ़ जाता है एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होता है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है समझ पा रहे हो बेटा यस सर लिख सकते हो क्यों ज्यादा होते हैं ड्यू टू मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन चलिए तो बेटा तो मैं अगर ऐसा मैं बोलूं अगर फिर से मैं वही लाइन जो मैंने आपको पहले लिखाया था कि बेटा क्या कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप में अनइक्वल बॉन्ड लेंथ पाया जाता है तो ट्रू या फॉल्स इन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप अनइक्वल बॉन्ड लेंथ पाया जाता है ट्रू यस और बेटा और ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर में भी अनइक्वल तो बेटा हमने वहां पर लिखा था वो समझ में आ गया होगा मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ठीक है ना इन इन क्या बेटा इन ट्रायगोनल बाई पिरामिडल पिरामिडल शेप ठीक है ना बेटा एंड ब्रिज लाइक शेप क्या बोल रहे हाँ क्या बोल रहे बेटा ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर क्या है वो कार्बन वाला क्या जब आप कार्बन कंपाउंड में जब आप पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में वो मैं नहीं बताऊंगा बेटा मैं नहीं बताऊंगा And bridge-like structure, unequal bond length is present. Unequal bond length is present. Bridge-like structure, बेटा नहीं पढ़ा है क्या? B2H3 रहेगा। वही ना जो ऊपर से होकर जाता था वही वाला ना। हाँ। कि बेटा इसको यहाँ पे अच्छा बनाना bond को भी bridge-like बोलेंगे। जितने भी bridge A2CH3-6 हमने देखा, जितने भी हमने देखा। उसे सब ब्रिज बार बार हमने कितने दफा हमने ब्रिज लाइक कंपाउंड ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर वहां पर पढ़ा है ठीक है ना आपको कॉपी को पलट नहीं रहे हो संस्कार ठीक है वहां पे मैंने बेटा वहां पे मैंने जब इसके बारे में लाइन मैंने वहां पे लिखा था बच्चों वहां पे लिखा था वहां पे मैंने ये लाइन भी वहां पे लिखवाई थी बेटा इसके बारे में आप लोग को जब वाइब्रेशन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा ये भी बताया तो मैं ये लाइन को दो बार लिखवा रहा हूँ और लेकिन इस बात को मैं बहुत बार बात किया हूँ तो आप ऐसे मत करो यार भूलो नहीं भूलेंगे तो हो जाएगी ठीक है चलिए तो क्वेश्चन बेटा अब क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन है ठीक क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों क्वेश्चन क्लास में एकदम अटेंटिव बैठे और ना सारी चीजों को बेटा रिवाइज करते रहे बेटा मैं आपसे बार बार ये चीजें बोल रहा हूँ प्लीज कॉपी रिवाइज नहीं करेंगे ना तो बेटा आप लोग को कभी कुछ लगेगा ही नहीं कि आप कुछ पढ़े हैं सीरियसली आप कितने भी क्वेश्चन करें कितने भी क्वेश्चन करें कोई मतलब नहीं अगर कॉपी आपका थॉरो नहीं है तो कॉपी सबसे पहले एकदम थॉरो होना बहुत जरूरी है ठीक है चलिए क्वेश्चन है बेटा अनइक्वल बॉन्ड लेंथ इज प्रेजेंट अनइक्वल क्वेश्चन है अनइक्वल बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वन बताएंगे बच्चों ठीक है क्या PCl5 PCl5 SCl4 SCl4 ठीक है ना नंबर थ्री ICl3 बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड अरे बोलो फर्स्ट सेकंड थर्ड अनइक्वल बॉन्ड एंड प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट आंसर फर्स्ट ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा ऑल फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर ऑल यस आंसर फोर क्या ऑल बेटा ये तीनों के तीनों क्या है sp3d समझ लो बेटा इसके पास एक लोन पेयर है sp3d इसके पास दो लोन पेयर है तीन दो पांच sp3d अरे सबको समझ में आ रहा है क्या यस सर चलो सेम अगेन क्वेश्चन बेटा यही क्वेश्चन है अनइक्वल बॉन्ड लिंक प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑप्शन चेंज अरे ऑप्शन
चेंज, ऑप्शन चेंज, चेंज करो बच्चों, करिए। यस सर। हाँ, ये वाला जब ये क्वेश्चन जो बेटा ना, अभी ये जो क्वेश्चन है ये ऑल इंडिया पीएमपी 2006 में पूछा गया, सेम क्वेश्चन। चलो एक ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑप्शन है CLF3, सेकंड ऑप्शन है NF3, थर्ड ऑप्शन है PF3, फोर्थ ऑप्शन है ALF3, फोर्थ ऑप्शन है ALF3, CLF3, NF3, PF3, NF3, बोलो PF3, ALF3, बोलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अनइक्वल बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट आंसर, आंसर क्या होता है बेटा 3F-, मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी कि सर ALF3 डायमंड फॉर्मेशन क्यों नहीं करता। आई थिंक अल्फी ने पूछा था ALF3 डायमंड का, सर ALCL3 डायमंड का फॉर्मेशन करता है पर ALF3 डायमंड का फॉर्मेशन नहीं करता, क्यों बेटा? आंसर देंगे प्लीज, बाकी बच्चे आंसर करेंगे। ALF3 आयनिक है, क्योंकि ALF3 आयनिक है, ALF3 आयनिक है, इसका स्ट्रक्चर ये Al+3 3F-, इसका स्ट्रक्चर बेटा, इसका जो शेप होगा वो ये होगा, जबकि ALCL3 क्या है, कोवेलेंट है, इसका स्ट्रक्चर ये। तो बेटा यहाँ पर इसका जब ये कोवेलेंट होता है तो एल्यूमिनियम की एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 2, 2, 4, 2, 6, तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, तो ऑक्टेट को कम्प्लीट करने के लिए डायमंड का फॉर्मेशन करता है। ALF3 आयनिक है और आयनिक होने की वजह से बेटा इन दो आयनिक है और आयनिक होने की वजह से एल्युमिनियम का जो कॉन्फिगरेशन है वो क्या है बेटा, 2, 8, 3 से अब क्या हो गया 2, 8, और यस और नो, आयनिक में इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट रहता है और फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये डायमंड का ALF3 डायमंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, वो आयनिक है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ALCL3 कोवेलेंट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये डायमंड फॉर्मेशन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अल्फी समझ में आ रहा बेटा? चलो ठीक है, आगे बढ़ूं? जी सर, फिर से अगेन यही क्वेश्चन बेटा, अगेन यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगेन, सेम क्वेश्चन अगेन, क्या? चलिए, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। चलो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन SF4, सेकेंड ऑप्शन जेनॉन F4, थर्ड सब में F4, थर्ड ऑप्शन BF4-, और फोर्थ ऑप्शन बेटा SiF4, बता दो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। क्या बेटा? फर्स्ट, ये अगेन बेटा SP3D, जेनॉन F4 का क्या है बेटा, SP3D2, इसका क्या है SP3, इसका भी SP3, SP3D जो होता है उसमें अनइक्वल बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है ना, अगेन फिर से ऑप्शन चेंज, क्वेश्चन वही ऑप्शन चेंज, ठीक है ना। चलो नंबर वन SF4, नंबर टू PCl5, नंबर 3 B2S6, नंबर 4 Al2Cl6, बोलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आंसर फाइव। क्या बेटा? ऑल, सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ये क्यों बच्चों? क्यों? क्योंकि ये SP3D है। ये क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्ट्रक्चर है। अरे ठीक है क्या? यस सर। चलिए, तो ये कहानी का कंक्लूजन ये रहा बेटा कि sp3d और ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर में हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है बेटा, अनइक्वल बॉन्ड लेंथ मिलता है। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट बात करते बेटा, ठीक, ध्यान रखना कंक्लूजन क्या मैंने बोला बेटा, कंक्लूजन लिख लेना भैया, कंक्लूजन काम के बाद अपने जो पढ़ा है
ठीक है ना, उनसे प्राण बाहर निकलना चाहिए। क्या 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 बेटा? अगेन वही वही बात, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल मतलब sp3d। अरे बोल दो, ट्रायगोनल पिरामिडल भाई, पिरामिडल। और क्या बेटा? ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिज लाइक, दोनों में ही हाँ अनइक्वल अनइक्वल बॉन्ड लेंथ मिलता है। चलो अगेन फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब केस सेकंड अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स के देख लेते हैं बेटा फटाफट, ठीक है ना। SF4 केस सेकंड में क्या था भैया? केस सेकंड में चार बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। SF4 इसका एग्जांपल, समझ पा रहे हैं क्या? ठीक है ना, तो जल्दी से फटाफट बेटा SF4 की एग्जाम्पल, SF4 की बात करते हैं। ये आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी कुछ ऐसा 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 और ऐसा। ज्योमेट्री में तो बच्चों, ठीक है ना, लोन पेयर हम लोग कहाँ पे रखेंगे भैया? लोन पेयर हम लोग कहाँ पे रखेंगे? इक्विटोरियल, मतलब हम लोग रख देंगे इक्विटोरियल, ये यहाँ पे हो जाएगा। ये सल्फर है, ये क्या है? सल्फर, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन, चार फ्लोरीन, ठीक है बच्चों। अच्छा अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ ना, एक वर्बली एक क्वेश्चन बेटा, और पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फर में अगर हम लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पर रखते हैं, कहां पे रखते हैं? एग्जामिनर लिख के दिया है, ठीक है ना। अगर SF4 में लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन में रखते हैं तब क्या हो गया? समझ पा रहे क्या बेटा? ठीक है ना, तो मुझे बताएंगे बेटा। वैसे तो हम लोग लोन पेयर यहाँ, वैसे बेटा हम लोन पेयर कहां पे रखते हैं? इक्विटोरियल में, लेकिन क्वेश्चन एग्जामिनर बोल दिया कि इन SF4 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इन लोन पेयर हैज प्लेस्ड इन एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना। अरे समझता है, देन व्हाट विल बी अकर? अरे क्लियर है क्या? अगर हमने लोन पेयर को कहां रख दिया? एक्सियल पोजीशन पर रख दिया, ये सल्फर है, तो क्या हो जाएगा मुझे बताया जाए। चलो मैं बोलते जा रहा हूँ ना, अरे ठीक है क्या बातें? सबको समझ में आ रही है? यस सर। तो मुझे बताओ, सिंपल सी बात है बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिंपल सी बात है, वही कहानी है कि लोन पेयर, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है कि लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन में क्यों रखा जाता है, एक्सियल पोजीशन में क्यों नहीं? समझ पा रहे ना, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, तो लोन पेयर को जब हम इक्विटोरियल पोजीशन में रखते हैं तो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ठीक है ना, 90 डिग्री के, कितने बेटा 90 डिग्री के हमको कितने मिलते हैं? अरे दो, अरे ठीक है ना, रिपल्सन ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना बेटा? 2। जबकि यहाँ पर कितना मिलता है? 90 डिग्री के 3। तो 90 डिग्री के 3 मिलते हैं, तो यहाँ पर क्या है बेटा? मोर रिपल्सन। अरे जब 3 मिलेंगे तो क्या? मोर रिपल्सन। यहाँ पर क्या बेटा? लेस रिपल्सन, मोर स्टेबिलिटी, ठीक है ना, और मोर रिपल्सन, Less stability. सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. चलो ये कहानी है, ठीक है बेटा। मुझे एक बात बताएगी, मैं मिटाऊं क्या इसको? रुकिए। हाँ हाँ, बेटा दिख तो रहा है ना? हाँ दिख। हाँ सर, सर छतरी जैसा हो जाएगा, है ना, ऐसे बेटा, ऐसे एक अम्ब्रेला लाइक हो जाएगा, अम्ब्रेला जैसा। इसका शेप बोल रहे हो? हाँ सर, थोड़ा सा शेप जो होगा तुम्हारा, क्या होगा? वी नहीं बनेगा क्या सर? एक वी ऊपर और उसके नीचे वी नीचे, ऐसा कुछ सर। अम्ब्रेला बनेगा ना, अम्ब्रेला, वो तीनों फ्लोरिंग थोड़ा नीचे झुक जाएगा लोन पेयर के कारण। अरे ये बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है ना यार, मतलब हाँ अम्ब्रेला शेप बनेगा, ठीक बोल रहे हो, लेकिन इसके बारे में आपसे नहीं पूछेगा इसका शेप क्या, ये एग्जिस्ट नहीं करता। यस सर, यस सर। तो क्यों इसके बारे में हम डिस्कस करें? ठीक है बच्चों, मुझे बताया जाए ICl4+ का स्ट्रक्चर क्या होगा? ICl4+ का स्ट्रक्चर क्या होगा बताओ फास्ट?
एक क्वेश्चन है, ICl4 प्लस इज आइसोस्ट्रक्चर, आइसोस्ट्रक्चर विथ TCl4 प्लस, ट्रू या फॉल्स? ट्रू और फॉल्स बताओ, फॉल्स। ICl4 प्लस इज आइसोस्ट्रक्चर विथ PCl4 प्लस, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। बोलो। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो बेटा रीजन बताएं फॉल्स क्यों, दोनों का शेप अलग है। क्योंकि शेप अलग है सर, ICl4 का आपका हो जाएगा ये पाई शेप, सीशो शेप हो जाएगा, और ICl4 प्लस का टेट्राहेड्रल। साफ बात, बट इसका शेप होता है डिस्टॉर्टेड, देखो मैं ये वर्ड यूज करूं तो मजा आएगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और इसका जो शेप होता है वो होता है रेगुलर टेट्राहेड्रल। अरे यस और नो? यस सर। डिस्टॉर्टेड मतलब वही पाई शेप, पाई शेप। अरे समझ में आ रहा है क्या? yes, ये बेटा आयोडीन के पास आयोडीन है, आयोडीन के पास कितने वैलेंस क्लोरीन? 1 2 3 4 5 6 7 कितने क्लोरीन? ठीक है बेटा, एक प्लस है, एक प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दो, ये हो गया प्लस। अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर। अच्छा सबको दिख तो रहा है ना? yes, ये प्लस है, ये प्लस है ना, ये प्लस है ठीक है, तो एक प्लस हो गया, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, चार क्लोरीन, 1 2 3 4 और एक हो गया लोन पेयर। अरे यस और नो? यस। ठीक है ना, ये प्लस है, ये प्लस है ना, ये कोई वो मत हो भाई, ये प्लस चार है। चलो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया है तो मुझे बताएं एक लोन पेयर, एक लोन पेयर और चार बॉन्ड पेयर, चार एक पांच, चार एक पांच, चार एक पांच मतलब sp3d। लोन पेयर कहां पे रखेंगे? यहां पर। तो ये क्या मिल गया बेटा, तीसरा शेप जो है वो ये हो गया पाई शेप, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। प्लस ऐसा नहीं होता है, समझ पर? इज नॉट एन आइसोस्ट्रक्चर विद PCl4 प्लस, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये क्वेश्चन है ना, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये क्वेश्चन है। अरे ठीक है क्या? जी सर। चलिए आगे बढ़े बच्चों। यस सर। तो मुझे बताया जाए, मुझे बताया जाए नेक्स्ट, ठीक है ना, केस थर्ड में ले लेता हूं, केस थर्ड क्या बेटा? बात करते हैं तो CL3 की, केस थर्ड का एग्जांपल ले लेके, केस थर्ड बात करते हैं हम लोग CL3 की। बेटा मुझे बताएं CL3 का शेप क्या होगा, थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। चलो क्या सर, क्या CL3 का शेप क्या होगा? CL3 या BrF3? CL3 BrF3 दोनों आइसोस्ट्रक्चर होते हैं बेटा, ठीक है, दोनों पर इसमें भी, दोनों पर इसमें भी, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या बेटा? sp3d, ठीक है ना, sp3d, ये हो जाएगा आपका इसका ज्योमेट्री, ऐसा ऐसा ऐसा, दो लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर यहाँ। अरे यस और नो? यस सर। तो इसका जो शेप है बेटा वो होता है सी शेप, ठीक है ना, इसका जो शेप होता है वो आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है ना, लोन हमारा बेटा ढक दो, ढकोगे किसको? लोन पेयर को, तो जब लोन पेयर ढकोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? टी शेप। अरे समझ पा रहे हैं क्या? यस सर। ठीक है चलिए बेटा, इसको ना, इसको इसको ACl3 को ना टी शेप या टी एसिड के नाम से भी जानते हैं, टी एसिड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन के पास होता है ना बेटा, जो क्लोरीन जो एटम होता है इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होने की वजह से ये एक क्या है, ये इसको टी एसिड भी कहा जाता है, समझ पा रहे हैं क्या? अरे ठीक है ना, वो तो ब्रोमीन के साथ भी हो सकते हैं ना? हाँ ब्रोमीन के साथ भी हो सकते हैं, तो दोनों को ही बोलते हैं। हाँ दोनों की बोलते हैं, ठीक है ना, लुईस एसिड है, इसके अंदर जितने होते हैं सबको बोलते हैं। फिर जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं बताना चाहूंगा आपको, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, लुईस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू लुईस क्या है वो? लुईस एसिड, एसिड, ठीक है ना, ड्यू टू empty orbital, empty d, empty d, empty d orbital,
ठीक है ना, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एक्सेप्टर है, ठीक है ना, इसलिए लुईस एसिड, एल है मतलब लुईस एसिड, इसलिए टी एस भी कहते हैं, ठीक है बेटा। यस सर, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको कुछ एक्स्ट्रा बात है बेटा, तो ये इसका जो जो है ना ये टी शेप है, इसका जो शेप है टी शेप, लेकिन एक्चुअल में बेटा ये जो टी होता है ना, ये जो टी होता है ना, ये थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा, बैंड हो जाता है, इसको बैंड टी शेप भी हम लोग कहते हैं, कहते हैं। तो थोड़ा सा वैसे आपको बेटा जनरली जैसे नॉर्मली आपको मिलेगा कहीं पे कि इसका क्या शेप है, टी शेप है, लेकिन थोड़ा सा अंदर से जाकर पूछा तो यहाँ पर लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से बेटा ये दो दूर होते हैं, और अगेन इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को कम करने के लिए, ठीक है ना बेटा, इसको थोड़ा सा एक बार और, इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, और क्या कि यहाँ पर ये जो CLF3 है, CL ये F, ठीक है ना, और ये F और ये F, और इसके पास दो लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, फिर जो CLF3 क्या करता है, लोन पेयर लोन पेयर, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एक तो लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर लोन पेयर, और इनके आपस में क्या हो रहा है बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, तो मेनली क्या, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए, बेटा समझ पा रहे क्या, देख ही रहे, सॉरी नीचे लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, एक्सेल ना, यहाँ पे जो लिखा है यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, हाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर बेटा, देखो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ, लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन, थोड़ा सा फैलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तो आपस में फैलने कोई दिक्कत नहीं, मेनली इसके फैलने की वजह से क्या हो रहा है, इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, तो ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि इसका बैंड की शेप क्यों होता है, तो मेनली बताना रीजन जाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को कम करने के लिए, कम करने के लिए, हाँ तो ध्यान रखना कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को कम करने के लिए ये जो फ्लोरीन है बेटा, ये जो फ्लोरीन है थोड़ा सा ये क्या हो जाता है बेटा, इस तरीके से बैंड हो जाता है, मतलब आप लोग कैसे करना बेटा, ऐसा ना, ये ऐसे डॉट पर डॉट बना लो, इसको भी डॉट पर डॉट बना लो ऐसा, ठीक है ना, तो ये कुछ ऐसा थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा, बैंड हो जाता है, ये फ्लोरीन इधर झुक जाता है, ऐसा एरो दिखा देना, ये ऐसा, ये फ्लोरीन है बेटा इधर, तो ये ऐसा, बात समझ पा रहे हो क्या, Yes, तो ये टी शेप नहीं, बल्कि ये क्या, और बेटर इसको कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैंड टी शेप, अरे क्या, बैंड टी शेप, समझ पा रहे हैं बेटा, अच्छा थोड़ा सा ऊपर भी हो जाएगा, हाँ एक सेकंड, अभी ठीक है बेटा, जी सर अब ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया है, ये फ्लोई बैंड हो गया है, ये भी बोट चला गया क्या, अच्छा बोट चला गया, अब आ गया, आ गया ना, हाँ सर, हाँ चले, तो ये इसका जो शेप हो जाता है बेटा वो थोड़ा सा बैंड हो जाता है, इसको बैंड टी शेप कहते हैं, सेल इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, टी शेप भी सही है लेकिन बैंड टी शेप ज्यादा सही है, समझ पा रहे हैं क्या, जी सर, इसका एंगल भी थोड़ा सा इधर साइड ज्यादा हो जाएगा ना, इससे मतलब अपने में एंगल कम हो जाएगा ना इनका, और हाँ इनके बीच में जो अब जो था बेटा, हाँ 90 डिग्री से थोड़ा सा कम हो जाएगा, समझ पा रहे हैं क्या, जी सर, चलिए, तो इसका जो शेप है बेटा ये है CLF3 का शेप, जो है शेप ऑफ CLF3, ठीक है ना बेटा, ये जो है बेटा ये टी शेप, ठीक है, नंबर वन, नंबर टू बैंड टी शेप, ठीक है ना, तो टी शेप भी सही लेकिन बैंड टी शेप ज्यादा सही, सबको समझ में आ रहा है क्या, yes, आगे बढ़ते हैं, मुझे बताएंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दूं इसको, सर मोर कर एक बोलेगा तो बैंड टी शेप बोलेंगे ना यहाँ पे, हाँ मोर कर तो बैंड टी शेप, अगर बैंड टी शेप ऑप्शन में होगा तो ऑप्शन तो बेटा बैंड टी शेप ज्यादा सही होगा, ठीक है, yes, चलिए बेटा एक क्वेश्चन फिर से ना, हम बात करेंगे केस फोर्थ की, केस फोर्थ का एग्जांपल, मतलब केस फोर्थ के लिए बेटा एक क्वेश्चन मुझे बताएंगे, ज़ेनॉन F2 इज आइसोस्ट्रक्चर, इज आइसोस्ट्रक्चर विद विद क्या बेटा,
with DEF2, true or false? Xenon F2 is isostructured false. With true or false? जिसमें कितने लोन पे बेटा दो लोन पे सर दो बॉन्ड पेयर और दो बॉन्ड पेयर प्लस तीन लोन पेयर तो ज़ेनॉन के पास बेटा कितने होते हैं 8 1 2 3 4 5 6 7 8 दो फ्लोरीन है तो दो बॉन्ड पेयर बाकी कितने होंगे बेटा तीन लोन पेयर तो इसका जो बेटा क्या होगा ये तो इसकी ज्योमेट्री हो गई एक लोन पेयर दो लोन पेयर तीन लोन पेयर यस और नो यस सर तो इसका शेप क्या है लीनियर BEF2 मुझे बता दें BEF2 तो बेटा BE में क्या होता है बेरिलियम में दो इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में A और A इधर एक फ्लोरीन इधर एक फ्लोरीन अरे यस और नो तो इसका भी शेप क्या है लीनियर इसका भी शेप क्या है लीनियर तो ज़ेनॉन F2 इज आइसो स्ट्रक्चर विथ क्या BEF2 क्लियर है बच्चों यस सर हालांकि दोनों का हाइड्रेशन अलग अलग है ज़ेनॉन F2 वाइब्रेशन क्या है बेटा sp3 है जबकि इसका क्या है मैंने बताया था ना सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देख के नहीं बोलेंगे कि इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है ऐसा नहीं बोलेंगे यस और नो यस सर चलिए तो ये कहानी बेटा अच्छा मुझे अगेन मुझे बताया जाए इसको मिटा दो बेटा जी सर ज़ेनॉन OF2 का स्ट्रक्चर क्या होगा जल्दी से क्या Xenon OF2 Xenon OF2 का स्ट्रक्चर बताएंगे शेप बताएंगे शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टी शेप क्या बेटा टी शेप अच्छा वो F2 एक नाम है F4 देखा F2 पता सर ठीक है बेटा तो ज़ेनॉन क्या सीधी से बात है डबल ज़ेनॉन जो है डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा एक फ्लोरीन दो फ्लोर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे चार बाकी बचे कितने चार मतलब दो लोन पे अरे यस और नो तो क्या हो जाएगा बेटा वही कहानी ये ज़ेनॉन है ये ऑक्सीजन है लाइक ऐसा और यहाँ पर क्या बेटा ये दो लोन पेयर होगा यहाँ पर और यहाँ पर होगा एक फ्लोरीन यहाँ पर ठीक है चलो मुझे एक बात बताइए बेटा I3 माइनस का क्वेश्चन है ना मैं क्वेश्चन देते जा रहा हूँ भैया प्रैक्टिस करते जा रहे हैं I3 माइनस का शेप क्या होगा क्या हुआ भैया ये आई टू है ये आई टू है और इस आई टू में ये एक आई माइनस जो है किसी आई माइनस जो है अपने इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर अरे यस और नो यस सर ठीक है ना अच्छा चलो तो इस आयोडीन की बात करते हैं तो अभी इसको भूल जाओ क्योंकि ये तो अपने इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा इसको डोनेट करे इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में पर इस आयोडीन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 7 1 2 3 4 5 6 और 7 अरे यस और नो यस सर ये एक आयोडीन से बना लिया अच्छा दूसरा आई माइनस जो है अपने इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट कर रहा है तो इस आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तीन लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर अरे यस और नो जी सर तो ये हो जाएगा sp3d और तीन लोन पेयर है तो अगेन बेटा ये वही फिर सबको समझ में तो आ रहा है ना भैया ठीक है ना ये आयोडीन हो गया बेटा एक ऊपर आयोडीन होगा एक नीचे आयोडीन होगा लाइक ऐसा और ओवरऑल चार्ज होगा बेटा वो क्या होगा नेगेटिव क्योंकि I3 माइनस है ये इसका शेप हो गया सबको समझ में आ रहा है यस सर ये वाला एक बार और बताइए ना कौन सा वाला ये वाला
हाँ वो लोन पेयर। बेटा देखो एक बात ध्यान में रखना, अब देखो कि ये देखो ये आई, ये आई टू तो जानते हो ना, आई टू आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, सेवन, एक दो तीन चार पांच छह और सात, ठीक है बेटा। Yes, इस आयोडीन ने इस दूसरे आयोडीन के साथ में ये ऐसा ये क्या कर लिया बेटा, एक एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया है ना। Yes, ठीक है, यहाँ इसके पास भी सेवन इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पांच छह सात, किसी एक को सेंट्रल एटम मान लो, किसी एक को चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, जिसको भी सेंट्रल एटम मानोगे नेक्स्ट आई माइनस उसके साथ जोड़ देना। जैसे मैं इसको मानता हूँ तो ये बेटा आई थ्री माइनस है ना, तीन आयोडीन है तो एक आई माइनस के फॉर्म में, ठीक है बेटा, ये जो है ये इसके एंटी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन, आई माइनस का मतलब बेटा इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेटा ठीक है ना, ये इसके एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो बेटा इसमें इसके लोन पेयर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अरे समझ पा रहे हो क्या? अरे ठीक है क्या? Yes, बेटा एक बात फिर से, आयोडीन का आप लोग जानते हो आयोडीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2H2 फ्लोरीन का होता है 2H2 2P5, क्लोरीन का होगा 3H2 3P5, ब्रोमीन का होगा 4H2 4P5, आयोडीन का क्या होगा 5S2 5P5, तो अगर 5S है 5P है तो 5D नहीं होगा, होगा ना, लेकिन 5D जीरो होगा, तो बस सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात क्या है बेटा, सीधी सी बात ये है कि कहानी ये है, कहानी ये है, एक दो तीन चार और ये पांच, अरे समझ पा रहे हैं क्या? Yes, तो एक तो इस आयोडीन से इस आयोडीन के यहाँ पर एक आयोडीन इसके साथ ये ऐसा शेयर कर लिया, दूसरा आई माइनस आया और इस आई माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन इसके एंटी ऑर्बिटल डोनेट करके क्या बनाया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट है। सबको समझ में आ रहा है क्या? जी सर। यस सर। बस तो बेटा आपको ये देखना है कि क्या है इसके पास, इसके पास दो बॉन्ड पेयर, एक सिग्मा दो सिग्मा, और कितने लोन पेयर, एक लोन पेयर दो लोन पेयर और तीन लोन पेयर, दिख रहा है तीन लोन पेयर, सबको समझ में आ रहा है, तीन लोन पेयर और दो सिग्मा, तीन लोन पेयर ही तो लिखा मैंने, इसके पास तीन लोन पेयर प्लस दो बॉन्ड पेयर, तो तीन और दो पांच, मतलब sp3d, इसका हाइब्रिडाइजेशन, और तीन लोन पेयर कहां पे रखेंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे, शेप मिल जाएगा आपको लीनियर, ठीक है? यस सर। तो ये हो गया आपका sp3d, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? बिठा दूं? हाँ सर। चलिए चलो नेक्स्ट बेटा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा अब सुनना मेरी बात, ना थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो बेटा sp3d2 का ज्योमेट्री क्या होता है पहले? ऑक्टाहेड्रल। हाँ साफ बात, ज्योमेट्री जो बेटा, ज्योमेट्री मतलब सिक्स छह ऑर्बिटल है, एक s, तीन p और दो d, ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, छह, तो छह कैसे अरेंज होंगे बेटा, ऑब्वियस सी बात है छह अरेंज होंगे, आप हाँ बेटा मतलब ये हो जाएगा, अगर बीच में सेंट्रल एटम है, ठीक है ना, कुछ और अगर मैं लिखूं, जैसे बेटा ये अगर ऐसे लूं तो कुछ ऐसा बीच में सेंट्रल एटम है ना, बीच में सेंट्रल एटम, एक इधर इनके बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड है, ठीक है ना बेटा, यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री के ही, मतलब ये सब के बीच में 90 डिग्री, ये इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में और इसके बीच में, है ना, 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, ये ऐसा हो गया, ये हो गया ऐसा, और इसके बाद फिर बेटा ये एक इसके बाहर और एक इसके अंदर, मतलब फाइनली आप देख पाएंगे अगर दो मार्कर मैं रख दूं तो सेंट्रल टर्म यहाँ पर है बेटा, और चार जो है सेम प्लेन में है, एक पांचवा ऊपर और छठा नीचे, सबको समझ में आ रहा है क्या? सुनेंगे ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, तो मतलब बेटा मतलब ये है कि ये जो है बेटा लाइक ऐसा, ये बीच में सेंट्रल एटम हो जाएगा, ये ऐसा, एक दो तीन
चार, ठीक है ना, यस सर, ये चार ऐसे हो गया बेटा। पांचवा इधर होगा और छठा इधर, ठीक है। सो अब समझना बेटा, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लोग दो प्लेन बोलेंगे, एक प्लेन बोलेंगे बेटा, एक वर्टिकल प्लेन बोलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे। बात समझ पा रहे हैं क्या बेटा? इसको मैं बोलूंगा ना, इसको मैं बोलूंगा ऊपर वाला क्या बेटा, वर्टिकल एक्सियल और इक्वेटोरियल यहाँ पे नहीं, क्यों नहीं समझाऊंगा अच्छे से। तो एक इसको मैं बोलूंगा वर्टिकल लाइन और इसको बोलूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन, क्यों? क्योंकि मैंने इसको इस शेप में देख रहा हूँ, मेरे लिए ये ऐसा शेप है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। लेकिन बेटा अब ध्यान सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे ना, यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा ना अपना ना जो देखने का नजरिया वो चेंज करेंगे, देखने का नजरिया थोड़ा चेंज करेंगे। सबका कॉर्ड लिंक सेम है यहाँ पर ना, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये ज्यादा है, लेकिन सबका सेम है। थोड़ा सा कम करता हूँ, थोड़ा सा इसको कम कर, सुनेंगे मेरी बात बेटा। अगर मैं इसी को सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये छह है ना, ये छह है ना, डायमंड रेक्टेंगल, तो ये भी तो देखो, ये भी तो मिल गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर बेटा, वही सेप, सेम सेप, आप तो देखने का तरीका अलग हो गया। हाँ। ये अब ये वर्टिकल लाइन बन गया, ये क्या हॉरिजॉन्टल लाइन बन गया? यस सर। विजुलाइज कर पा रहे हैं क्या? जी सर। यस सर। बना लेते बस देख बेटा, मैंने उसको ऐसे देखा, मेरी बात सुनना, ये मैंने इसको ऐसे देखा, मैंने ऐसे देखा तो मुझे ये वाला प्लेन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्लेन लग रहा था, ये वर्टिकल। लेकिन अगर मेरे को देखने का तरीका थोड़ा सा ऐसे हो जाए, ऐसा, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? तो बेटा ये वाला जो होगा ना, ये वाला मतलब आप इसको डिफरेंट, आप इसको वर्टिकल प्लेन मान सकते हो, इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन मान सकते हो, उसको अब ऐसे जो ऐसा रखा हो उसको आप सीधा रख लें। अरे यस और नो? जी सर। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सब के सब एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल में रखे हुए हैं, सबके बीच में एंगल क्या बेटा 90 डिग्री। तो यहाँ मैं समझा पा रहा हूँ बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर कोई यहाँ पर इक्वेटोरियल या एक्सियल पोजिशन नहीं रहता। समझ पा रहे क्या? आप लोन पे, अगर आपको लोन पे रखना है, आप कहीं पे भी रख दे, बोलेगा कि sp3d में सब बॉन्ड पेयर है, ठीक है सब बॉन्ड पेयर है। लोन पे रहा है तो कहां पे रखें? कहीं पे भी रख दो। लोन पे रहा है कहीं पे भी रख दो, सब एक जैसा है। अरे समझ पा रहे हो क्या? लेकिन लेकिन हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग, हमारी सुविधा कि हम लोग शेप को जज कर पाए, कि देख पाए कि ये शेप क्या है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि लोन पेयर को वर्टिकल लाइन में रख दो। समझ पा रहे हो क्या? लेकिन जो शेप हम जो चेक करेंगे ना कि इसका शेप क्या है, तो शेप पता लगाने के लिए, ठीक है ना बेटा, अगर आप लोन देखो मेरी बात, जैसे आप लोग ये sp3d है ऐसा, तो लोन बेटा लोन पर रखना है, आप लोन पेयर को यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हो। लेकिन अगर आपको शेप, शेप जो आप बोल रहे हो, जो जो बुक में लिखा हुआ है, वो शेप आपको जस्टिफाई करना है कि हाँ ये शेप हमको दिख रहा है, तो आप लोन पेयर को यहाँ पे रख दो। अगर आपको लोन पेयर यहाँ पे रखना है, अगर लोन पेयर को आपको यहाँ पे रखना है, तो एक काम करना, इसको आप ऐसे बना देना बेटा। कैसे बना देना? ऐसा बाजू में जो बना है, हाँ ये ऐसा बना देना, ये इधर हो गया और ये इधर हो गया, ये ऐसा हो गया। अरे समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर, समझ पा रहे हैं, ठीक है ना? जी सर। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग sp3d में लाइंस मतलब पढ़ते थे कि उसमें लोन पेयर को आने, जब लोन पेयर आते तो हम कहाँ पे रखते हैं? इक्वेटोरियल। तो वैसे इसमें मत बोलना कि सर इसमें भी लोन पेयर को पर्टिकुलर पोजिशन पे रखते, कहीं पे भी रख सकते हो यार, कहीं पे भी रख सकते हो, बस नजरिया आपका उस तरीके से होना चाहिए। तो अगेन सुनेंगे मेरी बात, ठीक है ना, ये बातें बस वर्बली समझ गया बेटा, अब आगे सुने, धीरे से आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ज्योमेट्री जो होती है इसकी, ज्योमेट्री जो होती है बेटा, वो होती है क्या होती है? अरे ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टा ऑक्टा है, ऑक्टा है सात पास, ठीक है ना। ये एक दो तीन चार, ये बेटा मैंने इसको अपने सुविधा के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे बना लिया, ये पांच और ये छह, ठीक है ना। तो बेटा ये या तो इसको ज्योमेट्री जो या इसको आप क्या बोलते हो, स्क्वायर बाई पिरामिड है ना, क्यों कहते हैं हमें पहली बार बार बेटा, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल अगर आप इस ऑक्टाहेड्रल शेप को, इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को या स्क्वायर पैटर्न ज्योमेट्री को इस तरीके से देखते हैं तो आप इसको वर्टिकल लाइन बोल देना, है ना, क्योंकि आप देख इस तरीके से रहे। और ये वाला जो हो जाएगा, ये वर्टिकल है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हॉरिजॉन्टल। समझ पा रहे हैं ना जी सर, है ना। अगर मैं इसको ये जो ऐसा रखा हुआ है इसको ऐसे रखूंगा, ठीक है ना, तो जो वर्टिकल था वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है जी सर? हाँ तो बस तो सुने, तो अगर तो अब ध्यान देंगे तो सारे बॉन्ड पेयर, अगर सारे के सारे बॉन्ड पेयर है तो जो इसकी ज्योमेट्री है वही इसका शेप होगा, ठीक है। और अगर लोन पेयर आया तो लोन पेयर को आप किसमें रखेंगे बेटा, वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल। ये हमारे समझने की है, अदरवाइज आप कहीं भी रख सकते हैं। हाँ। समझ पा रहे हैं क्या जी सर? हाँ। तो चलो तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे, ब्रैकेट में ना इसको ब्रैकेट लिखना, ठीक है। लोन पेयर हैज प्लेस्ड इन, ठीक है ना, लोन पेयर हैज क्या बेटा, प्लेस्ड इन क्या, वर्टिकल। हाँ, क्या प्लेस्ड ऑन क्या बेटा, वर्टिकल प्लेन कहेंगे ना बेटा, वर्टिकल प्लेन बोलेंगे, वर्टिकल या लाइन बोल सकते हो, ठीक है, वर्टिकल प्लेन, ठीक है जी सर। इन ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, सॉरी इन स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, इन स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, कि आप कहीं भी रख सकते हैं, बस हमने अगर इसको जिस नजरिए से इसको देखा है उस नजरिए के हिसाब से जो वर्टिकल होगा वहां पे रखेंगे तो हमको शेप जानने में थोड़ी सी, शेप देखने में हमको हेल्प मिलेगी, क्लियर है ना, बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। यस सर। चलिए तो बेटा यहाँ पर अगेन केस फर्स्ट, बेटा इधर बॉन्ड पेयर, इधर लोन पेयर और इधर हम लोग लिखेंगे शेप। तो मुझे बताएं बेटा, बॉन्ड पेयर अगर 6 के 6 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर, तो शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाय पिरामिडल। बेटा स्क्वायर बाय पिरामिडल क्यों बोलते, समझ में आया होगा ना, ये जो बाहर मिलाएंगे एक पिरामिड बाहर और दूसरा पिरामिड अंदर, तो ये स्क्वायर है और दो पिरामिड लिखेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिड, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिडल। सबको मालूम चल रहा है बेटा, हमने इसके बारे में बहुत पहले कई बार इसके ऊपर ने बताया, तो बोलते हैं इसको स्क्वायर बाय पिरामिड, ठीक है ना। ये शेप स्क्वायर है, ये सब स्क्वायर है, यहाँ पर एक जो है बेटा एक ऑर्बिटल बाहर है, जब उसको लाइन से मिलाएंगे तो एक पिरामिड बाहर दिखाई देगा, वैसे एक पिरामिड क्या दिखाई देगा, अंदर, है ना, ऐसा 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 एक पिरामिड बाहर दिखाई दे रहा होगा और एक पिरामिड क्या दिखाई दे रहा होगा, अंदर। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल, या ऑक्टल क्यों बोलते हैं, चार फेस आपको ऊपर दिखाई देंगे, चार फेस नीचे, तो टोटल एट फेस है और एट फेस होने की वजह से उसको ऑक्टाहेड्रल भी कहते हैं, क्लियर है जी सर? चलिए तो ये हो गया बेटा, है ना। अच्छा अब मुझे बताया जाए, अगेन अब मुझे बताया जाए, अगर केस सेकंड की बात करते हैं, केस सेकंड में बॉन्ड पेयर कम कर दो 5, लोन पेयर बढ़ा दो 1, ठीक है। तो लोन पेयर को हम लोग कहाँ पे रखेंगे बेटा, अपने वर्टिकल, हाँ ये हो गया लोन पेयर, यहाँ वर्टिकल प्लेन पे। तो वर्टिकल प्लेन पे अगर लिखेंगे तो बेटा जब भी हम शेप देखेंगे तो लोन पेयर को क्या करते हैं, ढक देते हैं। तो जब ढकेंगे तो हमको सिर्फ एक ही पिरामिड दिखाई देगा बेटा, स्क्वायर पिरामिड साफ बस, तब इसका शेप हो जाएगा, बेटा एक पिरामिड तो खत्म हो जाएगा, शेप हो जाएगा इसका स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। यस सर। हाँ अच्छा नेक्स्ट केस बेटा, केस नंबर 3, अगर बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 2 है, अब क्या हो जाएगा, अब
स्क्वायर प्लेन स्क्वायर प्लेनर हां साफ बात तो ये हो जाएगा बेटा लोन पर यहां एक यहां लोन पर का ऑपोजिट साइड में रखेंगे बेटा अरे यस और नो रिपल्शन कम हो तो अब आप शेप जो होगा शेप वाज ये दिखेगा ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर अरे ठीक है क्या जी सर बस ऐसा तो टोटल इसमें कितने केस होंगे बेटा तीन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर है यस सर तो बेटा एग्जांपल देखते हैं हम लोग एग्जांपल देखते हैं एग्जाम्पल नंबर वन मतलब केस फर्स्ट का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इतना नोट कर लिया क्या केस फर्स्ट के एग्जाम्पल केस फर्स्ट ठीक है बेटा मुझे बताओ कोई एक एग्जाम्पल बताओ क्या SF6 है क्या है कि छह बॉन्ड पे अरे यस और नो छह बॉन्ड पे मतलब छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह बॉन्ड पे मतलब छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कौन सी फैमिली में आता है ऑक्सीजन फैमिली में लेकिन ऑक्सीजन तो बना नहीं सकता क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल सल्फर से तो सल्फर जो बेटा ठीक है ना छह बॉन्ड पेयर बनाएगा और SF6 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा तो SF6 जो होता है बेटा इसका होता है sp3d2 अगर SF6 है तो क्या PCl6- नहीं होगा अरे होगा नहीं होगा क्या मुझे बताओ क्या इसका एग्जांपल SiF6- है क्या नहीं अरे है ना SiF6- एग्जिस्ट करता है SiCl6- एग्जिस्ट नहीं समझ में आ रहा है क्या जी सर सबको समझ में आ रहा है बेटा यस सर PCl6- कैसे बना PCl5 के एमपी ऑर्बिटल में Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया PCl6- सिलिकॉन SF6 से बना सिलिकॉन F4 था उसमें इसके एमपी ऑर्बिटल में एक F- दूसरा F- याद आ रहा है क्या पढ़ा था सब ये सब पढ़ा हुआ है सब पढ़ा हुआ है अरे ठीक है ना ये सब के सब क्या है बेटा sp3d2 ठीक है तो कोई भी का उठा के शेप पूछे SiF6- का शेप पूछे बताओ क्या शेप होगा बेटा SiF6- का शेप क्या होगा ऑक्टाहेड्रल क्लियर है ना जी सर चलो कोई एक उठाते हैं बेटा जैसे SF6 मैं बात करता हूँ एग्जांपल SF6 का SF6 जो है बेटा ये सल्फर ऐसा 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 एक क्लोरीन यहाँ 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 बेटा यहाँ पर प्लीज क्या अनइक्वल बॉन्ड लेंथ पाया जाएगा क्या नहीं सबका बॉन्ड लेंथ सेम इसलिए मैंने बताया बेटा हाँ इसी मैंने इसको बताना चाहा कि भैया सबके बीच में इक्वल बॉन्ड एंगल है ठीक है ना आप ये प्लेन ले लो या ये प्लेन ले लो जो चाहे वो प्लेन ले लो ठीक है ना सबका बॉन्ड एंगल सेम होगा अच्छा मुझे बताओ इसमें कौन कौन से बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है और कितने हैं मुझे बताओ 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है क्या कितने हैं बेटा बताओ 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल इसमें कितने हैं कितने हैं बेटा 8 कितने हैं 12 8 नहीं कितने बेटा 12 रॉन्ग इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा यार SF6 है एक क्लोरीन ये जो इसकी बात करो ये क्लोरीन इधर है तो चार ऊपर हो गए चार ऊपर हाँ। चार नीचे और अपने में चार और आपस में चार तो है ही ना यस सर सबको समझ में आ रहा है क्या अगर मैं ऐसे बोलूं 1 2 3 4 ये चार तो आपस में ही है ठीक है चार आपस में हो गए बेटा स्क्वायर प्लेनर में चार ऊपर हो गए इसका 1 2 3 4 और चार नीचे तो 4 3 सबको समझ में आ रहा बेटा यस सर 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल जो है वो कितने हैं 12 है अच्छा मुझे बताओ 180 डिग्री का कितना है 1 3 कितने हैं 3 2 4 3 है 3 ही तो है 3 है ना यस सर 3 है 2 और 3 अरे ठीक है ना नहीं सर मैं दोनों साइड ले दी थी अच्छा दोनों साइड में हो यस सर एक भी हो सकता है चार भी हो सकता है मैंने डिग्री कितने बेटा मैं भी दोनों साइड ले दी थी यस ठीक है ना बेटा 180 डिग्री कितने की 180 डिग्री का है ये एक मैं पता है मुझे यहाँ पे गलती करते बच्चे 2 और 3 ठीक है बेटा जी सर वेरी गुड ये ध्यान में रखेंगे चलिए अच्छा अब एक एक चीज मैं आपसे पूछूं बेटा जी सर अच्छा SF6
सर्फेस जो है पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर. क्योंकि साइड एटम सारे के सारे सेम है और कोई लोन पे. हाँ सात पास. चलो अब आएगा मजा. तो बेटा यहाँ पे लिख लेना म्यू इज इक्वल टू जीरो. ये क्या बेटा? नॉन पोलर. अब सुनना मेरी बात ना. अब सुनना, थोड़ा सा शांत बैठेंगे और मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा बात बताने जाऊंगा थोड़े देर के बाद, दो मिनट के बाद. पहले नेक्स्ट बेटा हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें बेटा. अच्छा कोई मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं सॉलिड PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, सॉलिड PCl5 सॉलिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? PCl4 5 सॉलिड कंटेन. क्या कंटेन बेटा? PCl4 plus PCl6 minus. ठीक है ना? तो बेटा इसका शेप ड्रॉ कर लोगे क्या? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 6 है ना, sp3 d2 है. तो बेटा इसका इसका शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल. कितने लोन? 1 2 3 4. अरे ठीक है क्या? यस सर. यस सर. हां और ये ऐसा, और बेटा प्लस सर इसके ऊपर. अरे यस और नो? हां सर. हां वेरी गुड बेटा. चल तो एक तो इसका हो गया और दूसरा क्या हो गया बेटा इसका? ऑक्टाहेड्रल. हां बस ये हो जाएगा कुछ ऐसा. ये हो जाएगा बेटा, ये बेटा दिख रहा है? हां ये हो जाएगा, ये फास्फोरस, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, तीन क्लोरीन, चार क्लोरीन, पांच क्लोरीन और छह क्लोरीन, और ये ओवरऑल नेगेटिव चार्ज. सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ. तो ऐसा पूछता है तो ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा? ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा ना, अनस्टेबल नहीं लग रहा. हाँ ठीक है. तो yes, दो स्ट्रक्चर. हाँ जी सर. क्या कोई दिक्कत है क्या सर? हम लोग को लगा कि आप कंबाइन कर देंगे, दोनों को ओवरलैप करेंगे. नहीं अरे आयनिक है ना बेटा. हाँ ठीक है. तुम भूल क्यों जाते हो? संस्कार तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो ना बेटा, सच्चे सच्चे बताना. नहीं कर रही हो ना पढ़ाई? क्यों संस्कार नहीं कर रही हो बेटा? मैं नहीं, मैं जानता हूँ तुमको, तुम मतलब बहुत मतलब अच्छी स्टूडेंट हो, लेकिन अभी कहीं ना कहीं शायद तुम ना डिस्ट्रैक्ट हो रही हो, मुझे ऐसा लगता है. क्यों हो रही हो? क्या क्या पूछ रहे हो बेटा? गायब. अरे बता दो. चलो PCl5 solid जो होता है बेटा, इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं PCl4 plus plus PCl6 minus. क्या जो बात PCl5 solid की, क्या वही बात PBr5 solid की? नहीं नहीं नहीं, जो बात PCl5 solid की वो बात PBr5 solid की नहीं बेटा. मैं बार बार बता रहा हूँ ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है ना? PBr5 contain क्या? PBr4 Br4 plus और Br minus plus Br minus. Br इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते बेटा, नहीं होगा वो. बेटा जिनॉन, जिनॉन F4 बेटा दो. अरे sp3 में कितने? पांच बॉन्ड पे एक लोन पे नमिया सर. वो तो नीचे वाले. सॉरी सॉरी. हां ठीक है सॉरी. ये 5 वाला जिसके पास था, पांच बॉन्ड पे मतलब BrF5 Cl IF5 BrF5 या BrF5 साहब. बस ठीक है ना बेटा, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें एक लोन पेयर है. अरे यस और नो? ठीक है ना, आई एफ फाइव ले लो, बी आर एफ फाइव ले लो, या पी एफ फाइव ले लो. अरे ठीक है, पी एफ फाइव ले लो, या ए एस एफ फाइव ले लो. अरे यस और नो? यस सर. ऐसा नहीं है मेरे भाई. पी एफ फाइव एस पी थ्री डी एस एफ फाइव एस पी थ्री डी. यस सर. इसमें लोन पेयर नहीं है बेटा.
इसमें लोन पेयर नहीं है, ये है sp3b2 जबकि ये sp3d। अरे क्लियर है क्या? यस सर। आइए फाइव का इनका शेप क्या होगा, आइए फाइव का शेप क्या होगा बेटा? स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, ठीक है ना। ये है आयोडीन, एक लोन पेयर ऊपर, एक एफ नीचे, स्क्वायर स्क्वायर पिरामिड, ठीक है क्या? हाँ सर। चलिए बेटा अब नेक्स्ट नेक्स्ट केस अगर देखेंगे, केस सी, तो जिसमें चार बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर। चलो मुझे बताएं, अब मुझे बताएं इसका एग्जांपल क्या होगा, जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। XeF4। हाँ ये आएगा SS xenon F4, XeF4, ठीक है, xenon F4, ठीक है ना। मुझे बताओ बेटा जल्दी से ना, कंपेयर करता हूँ, क्या बताने, XeF4 SF4 CF4 में कंपैरिजन करेंगे, जल्दी से फटाफट। इसका एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या था, केस थर्ड का एग्जांपल ये है ना, XeF4 में कंपैरिजन कर रहा हूँ इन तीनों का, जल्दी से फटाफट। इसका हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, दो लोन पेयर है, अरे यस और दो sp3d2, एक लोन पेयर है sd2, sp3d, इसका क्या है बेटा sp3, ठीक है ना। इसका शेप क्या है जल्दी से बताओ, इसका शेप क्या है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। इसका शेप क्या है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या पाई शेप या सी शॉ शेप, और इसका शेप क्या है बेटा, रेगुलर टेट्राहेड्रल। अरे हाँ ना बोलो भाई, yes, समझ आ रहा है क्या, ठीक है बेटा। मुझे बताएं 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल इसमें कितने, 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल इसमें कितने, इसके लिए हमको इसका शेप बनाना पड़ेगा लाइक ऐसा। ये हो जाएगा बेटा दो लोन पेयर, यहाँ पे एक एफ, ये एक एफ, ये एक एफ, ये 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने, जल्दी बताओ फास्ट। सर लोन पेयर का भी गिनते हैं क्या? नहीं लोन पेयर को नहीं गिनते भैया, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बॉन्ड के बीच में, चार चार सर चार, तो कितने 90 डिग्री के, चार। अरे यस और नो, 180 डिग्री का कितना बेटा, दो दो, शाबाश, एक और एक दो, अरे ठीक है ना, यस। पोलर की नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर, पोलर 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 लोन पेयर है सर, पोलर लोन पेयर, यही सवाल था, यही सवाल था। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान सुनिए, ध्यान सुनेंगे क्या, दो लोन पेयर है, नॉन पोलर हट जाएगा। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज मुझे बोलने दिया जाए, बोले दिया जाए बेटा, प्लीज दिया जाए। नॉन पोलर कैसे चेक करेंगे, एक बार फिर से मुझे बताया जाए, साइड एटम सारे सेम हो, क्या नंबर वन साइड एटम जो बेटा, साइड एटम क्या होने चाहिए, सेम सेम। नंबर टू क्या, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना, हाँ लोन कोई भी बेटा, सेंट्रल एटम में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर इन सेंट्रल एटम, ठीक है बेटा। अब ध्यान रखेंगे, तो ये जो है ना बेटा, ये दोनों तरीका अपना है, आपको पता चल जाएगा कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। बेटा ये अगर मिला मतलब मॉलिक्यूल क्या है, नॉन पोलर, ये नहीं मिला मतलब वो क्या है, पोलर, पोलर एक्सेप्शन, बस इसके दो ही एक्सेप्शन है, ठीक है ना, पूरे ब्रह्मांड में। कौन सा बेटा, एक होता है ज़ेनॉन F2 और एक होता है ज़ेनॉन F4। हर चीज को हर जगह नहीं लगाना, नहीं बताया जाता, मैं अभी तक इन दोनों के बारे में वहां नहीं पर बताया नहीं बताया था, लेकिन अब ध्यान से बेटा एक बात मुझे बताओ, ये अब एक्सेप्शन यहाँ पर ज़ेनॉन F2 एंड ज़ेनॉन F4, बस इन दो क्वेश्चन को छोड़कर बेटा ज़ेनॉन F2 में और ज़ेनॉन F4 में ज़ेनॉन के पास लोन पेयर है, लेकिन ये दोनों के दोनों कंपाउंड लोन पेयर होते हुए भी क्या है, पोलर होते, नॉन पोलर होते, अरे लोन पेयर होंगे तो पोलर ही होंगे ना, नॉन पोलर, ठीक है ना। तो ये लोन पेयर होते हुए भी ये क्या होते हैं, नॉन पोलर, क्यों बेटा, चलो यही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बोलने वाला था अभी, कि थोड़ी देर बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा बेटा, सुनिए मेरी बात यार। देखो हम लोग पोलर और नॉन पोलर, नॉन पोलर क्यों बोलते हैं, जब सारे के सारे एक दूसरे के डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, वो लोग क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो बेटा यहाँ पर जब ज़ेनॉन F4 की बात करते हैं, ज़ेनॉन F4, तो बेटा ये बॉन्ड पेयर देखो एक बार फिर से ना, एक बार फिर से
बेटा इसको नोट कर लेंगे एक बार फिर से ना, ये हमने पहले हमको तब तक ये सारी चीजें हमने एक्सेप्शन नहीं बताया था जब तक हमको इसकी जरूरत नहीं थी, अब आज जरूरत है तो बेटा एक्सेप्शन दे लो। अरे क्लियर है क्या? यस सर। चलो ठीक है ना, मेरी बात सुनेंगे तो सुने बेटा। जेनॉन एफ4 की मैं बात करता हूँ, तो जेनॉन एफ4 जो होता है बेटा, ये जेनॉन है, ये एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, ठीक है ना बेटा। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है बेटा, ठीक है ना, ये एक मेटल क्वांटिटी है, ठीक है ना, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ बेटा इसमें डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन जो होता है बेटा वो लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ। तो जेनॉन एफ4 में बेटा डायरेक्शन क्या है? लेस ईएन से मोर ईएन। अरे यस और नो? इधर देखेंगे लेस ईएन से मोर ईएन। बेटा देखो दोनों का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस सेम है, एक दूसरे कैंसिल कर जाएंगे। हाँ सर। वैसे बेटा ये इधर, ये इधर, ये दोनों भी अपने आप एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो ये इसको बोलते हैं बेटा बॉन्ड पेयर मूवमेंट। जो बॉन्ड पेयर में जो डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर मूवमेंट। अरे समझ पा रहे हो क्या? तो ये बॉन्ड पेयर मूवमेंट, एक दूसरे कैंसिल कर दिया। अच्छा अब इसमें लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर बेटा, लोन पेयर का मूवमेंट जो है बेटा, ये लोन पेयर है जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, और इसमें जो लोन पेयर है इसका डायरेक्शन जो है नीचे की तरफ होगा। दोनों दोनों एक दूसरे को फिर से क्या कर जाएंगे? कैंसिल आउट। समझ पा रहे हैं बेटा? तो इस तरीके से ज़ेनॉन F4 लोन पेयर होते हुए भी नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। अच्छा बेटा ये डायपोल मोमेंट में आएगा, फिर से आएगा, डायपोल मोमेंट पढ़ाऊंगा ना फिर आएगा। अच्छा बात करते हैं ज़ेनॉन F2 का। बेटा ज़ेनॉन F2, ज़ेनॉन F2 के बारे में बात करूं, ज़ेनॉन F2 कितने लोन पेयर? ज़ेनॉन F2 कितने लोन पेयर? मतलब ज़ेनॉन F2 में ज़ेनॉन के पास कितने लोन पेयर? तीन लोन पेयर, एक दो तीन और तीन। बेटा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp हां sp3d 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 ना? यस सर। sp3d लोन पेयर पर एक दो तीन और दो बॉन्ड पेयर, तीन लोन पेयर प्लस दो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? पांच। पांच मतलब sp3d। तो sp3d है बेटा, sp3d की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? लाइक ऐसा। हाँ। अच्छा तीनों के तीनों लोन पेयर कहाँ पे रहेंगे? एक दो तीन। अरे यस और नो? यस। आप लोग फिजिक्स में एक बात पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते होंगे वेक्टर में, कि जब दो फोर्स बेटा ना, दो फोर्स, अगर मैं फोर्स को बोला एफ का वैल्यू जो भी रख दो, 10 न्यूटन या जो भी है, ठीक है ना, अगर दो फोर्स किसी पॉइंट पे काम करते हैं बेटा, ठीक है ना, किसी पॉइंट पे अपन काम करते हैं, एक इधर और, ठीक है ना, दोनों का जो भी फोर्स लग रहा है बेटा वो सेम अमाउंट में लग रहा है, चाहे 10 न्यूटन दोनों का, और उसके बीच में अगर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, तो जो नेट रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आता है और किसी एक के बराबर होता है। यस याद आ रहा है क्या? यस सर। यस। अगर 10 न्यूटन है, ये भी फोर्स 10 न्यूटन है, ठीक है ना, और दोनों जो फोर्स है बेटा उन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री का है, तो उन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में होगा और किसी एक के बराबर होगा, मतलब ये भी 10 न्यूटन ही होगा इस डायरेक्शन में। तो मुझे बताया जाए ज़ेनॉन F2 में बेटा इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो इसका बेटा अब सुनिए मेरी बात, ये 120 डिग्री है, तो बेटा आप देख पाएंगे कि इसका लोन पेयर मूवमेंट जो होगा बेटा ये इधर होगा, इसका लोन पेयर मोमेंट इधर होगा, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट जो होगा बेटा इधर इसी इन दोनों के बीच में होगा और किसी एक के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर लोन पेयर मोमेंट का डायरेक्शन इधर है बेटा, अब इसको हटा दो, इसका नेट रिजल्टेंट है। अच्छा और इधर जो लोन पेयर का डायरेक्शन जो है वो इधर है, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे? और बेटा ये भी इसका, ये फ्लोरीन का बॉन्ड पेयर मोमेंट, ये ऊपर ये नीचे, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? Cancel. तो ज़ेनॉन F2 में भी ज़ेनॉन के पास लोन पेयर होते हुए भी नॉन पोलर। हाँ ये जो होता है कॉपी के छत पे, कॉपी के टॉप पे ये लिख लेना, ठीक है ना, ये आगे अभी और आएगा, अभी क्वेश्चन आएगा अभी इसका ना, मैं यहाँ पर आगे तो मैंने इसको समझा दिया, अदरवाइज मैं और आगे समझाता, तो प्लीज ध्यान रखेंगे बेटा, वही कंडीशन है हमेशा ध्यान में रखना। क्या नॉन पोलर के दो ही कंडीशन? क्या नॉन पोलर के ये पहले हटा दूं, इसलिए मैंने कंटिन्यू यही बातें आपको कंटिन्यू सिखाई। दो चीजें ध्यान में रखें, क्या कि देयर इज क्या साइड आइटम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और सेंट्रल आइटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ये हमने रट लिया बेटा। और आज थोड़ा सा एक्सेप्शन इसमें ऐड कर देते हैं, क्या इसको छोड़ के ज़ेनॉन F2 और ज़ेनॉन F4 को छोड़ के, क्यों क्या छोड़ के, इसमें लोन पेयर
है और लोन पे होते हुए भी ये क्या होता है? नॉन कॉलेबल। सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलिए बढ़े आगे। यस चलिए, तो इसको ध्यान में रखेंगे बेटा, ये डाइपोल मोमेंट में भी आएगा, इसलिए मैं बेटा हर चीज को ओपन नहीं करता, एक समय के बाद ओपन करता हूँ कि कम से कम जितना आपको याद होना है पहले आप याद कर लो, फिर बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें बाद में याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है? अरे ठीक है, तो सुने मेरी बात। तो बेटा जिनोन एफ फोर में लोन पेयर होते हुए भी ये म्यू इज इक्वल टू जीरो होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ sp3d लोन पेयर आया म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, अरे क्लियर है क्या? सीधा सर कैंसिल नहीं करेगा इसमें? यस सर। म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर बेटा सारे टर्म सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, म्यू इज इक्वल टू जीरो, अरे क्लियर है क्या? यस सर। बेटा मुझे बताए 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल इसमें कितने हैं? और बेटा SF4 जो है, और SF4 जो है वो क्या है? sp3d का लाइक ये हो गया बेटा, लोन पेयर यहां पे रख दिया लाइक ऐसे। चलो बताओ 90 डिग्री के कितने, 180 डिग्री के कितने? सर जीरो। हां 180 डिग्री का दो नहीं नहीं एक होगा सर, 180 डिग्री फोर, एक एक 90 डिग्री के चार और 180 डिग्री का एक। सर 90 डिग्री का चार कैसे? सर आप छह होगा, छह नहीं होना चाहिए, तीन इससे तीन ऊपर तीन नीचे। बेटा ये लोन पे है ना, तो इसका लोन पे वाले, अच्छा 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 लोन पे वाले के साथ ही रहता है तो नीचे। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है सर, मेरे को 90 डिग्री के एक, ठीक है ना, 120 डिग्री का भी एक, लेकिन वो अभी यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या? सर लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा बेटा? अब देखो, अब आप थोड़ा अब देखो, मतलब अब ऐसा है कि यहाँ पर ने सिर्फ एक अकेला लोन पेयर है तो उतना ज्यादा इसमें रिपल्सन नहीं होता, तो इसको बेटा मतलब बुक में इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है इसके लिए, है ना। हम अगर सोचे लॉजिकली कि सर यहाँ पर भी तो रिपल्सन होना चाहिए तो थोड़ा सा इसको ये होना चाहिए, लेकिन इसके बारे में बुक में डिस्कशन नहीं है बेटा, तो हम लोग भी यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर, हाँ सर। चलो आगे, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं CF4 पे। बेटा यहाँ पर 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल है ना, लिखना चाहो लिख सकते हैं, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल कितना? एक। चलो CF4 में क्या है, अब इसके बाद ये मतलब भैया CF4 ले लो, CF4 ले लो या CH4 की बात है ना बेटा, कोई भी ले लो, मैंने सब में F4 था तो CF4 ले लिया। CF4 में 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने? जीरो। मुझे बॉन्ड एंगल कितने? तीन। क्या? चार। दो तीन चार, चार चार, एक दो तीन चार, चार चार चार, फाइनल चार। आठ सर। नहीं नहीं, अरे नहीं, अरे क्यों क्यों? छे छे फाइनल छे, बोली लग रही है भाई, तीन फाइनल छे, चार सिर्फ बोली लगा दीजिए, छे लॉग छे सर, बोली बोली कम हो गई ना, आठ से दो मिनट सर, छे भी नहीं, दो मिनट हाँ छे 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 लॉग, हाँ बस बेटा आंसर है छे, छह सर, हाँ सर छह। बेटा ये याद करो, ये ना मैंने आप लोगों को ना ऑर्गेनिक बताया था, जब मैं आप लोगों को ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बता रहा था ना, तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कुछ ऐसा, सुनो ये देखो, ये देखो इधर देखना ना, अरे यार इधर देखो, ये है क्या? अरे ये है क्या? है ना सर, 3D में सोच सकते हैं सर, ठीक है बेटा? हाँ सर, सुनेंगे बेटा, एक एक करके ना मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, ठीक है? मैं इसको ना तरीका बताना चाह रहा हूँ बेटा, इसको इसको देखना, इसको देख रहे हो क्या? देख रहे हैं, इसके साथ पहले इसको बेटा किसी एक को ना फिक्स करके अपन देखें, इसके साथ बॉन्ड एंगल 109 कितने बेटा? अरे इसके साथ हम इसके साथ तीन, तीन, एक दो तीन, अरे तीन हो गया, हो गया,
हटा दो इसको, इसका काम खत्म। अब इसके साथ देखो बेटा, अब इसको लेना, इसको लेना, इसको तीन हो गए ना, इसके साथ कितने, दो एक और एक दो, काम हो गया इसका, हटाओ इसको रास्ते से, इसके साथ देखो इसको ले, कितना हो गया, तीन दो पांच एक ठीक है, ये इसके साथ ले लिया, अब इसके साथ ले लो चार, इसी के साथ इधर पांच, अब इन दोनों के साथ ले लो, ये हो जाएगा छह, सबको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। तो ये मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा सा ऐसे आप लोग इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। चलो बिठा दो बेटा, मुझे बताया जाए ज़ेनॉन OF4 का शेप क्या होगा, ज़ेनॉन OF4 का शेप क्या होगा, जल्दी से फटाफट। स्क्वायर पिरामिडल, शाबाश, हां सर, हां स्क्वायर पिरामिडल। अरे सर मेरा माइक दो बार बोला, मैं सोचा रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, हाँ नहीं इसका आंसर माइक ही बंद, ज़ेनॉन F2 को ज़ेनॉन, ज़ेनॉन OF2 को ज़ेनॉन OF को समझ गया था ना उसे। चलो तो इसका जो शेप है वो क्या है बेटा, स्क्वायर पिरामिडल, ज़ेनॉन कितने वैलेंस बॉन्ड, आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है बेटा, ये डबल बॉन्ड बनाता है, कितने फ्लोरिन, एक दो तीन चार, चार फ्लोरिन है बेटा, सबको समझ में तो आ रहा है ना भैया, कितने सिग्मा बेटा, एक दो तीन चार पांच छह सिग्मा एक लोन पे, छह सिग्मा पांच सिग्मा एक लोन पे, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी पांच तीन चार पांच, हाँ सॉरी सॉरी पांच सिग्मा एक लोन पे, पांच और एक छह, क्या बोल रहे बेटा, कुछ नहीं सर, स्क्वायर पिरामिडल बोल रहे, हाँ स्क्वायर पिरामिड, साफ बात, sp3d2 की ज्योमेट्री पहले ही आपको याद होनी चाहिए, ये कुछ ऐसा, ये ज्योमेट्री है, लोन पे रखना है, लोन पे वो रख दो बस, बाकी कहानी खत्म, स्क्वायर पिरामिड बेटा, एक एक बच्चे को सबको आना चाहिए ना भाई, बस सबसे पहले ज्योमेट्री ध्यान में रखना, क्या ज्योमेट्री है, ठीक है ना, ज्योमेट्री के देने की ज्योमेट्री आपको सबको मालूम चला होना चाहिए, sp3d2 का ये होता है, ये sp3d2 का है, sp3d का ये होता है, एकदम रट्टा मार लो, sp3d का ये होता है, sp3 का ये होता है, sp2 का ये होता है, sp का ये होता है, बस समझ, बस ज्योमेट्री ध्यान रखना है, एक बार ज्योमेट्री याद होगी बेटा बस, बाकी कोई भी आपको मॉलिक्यूल देगा आपको बस इतना पता होना चाहिए कि उसमें कितने लोन पेयर हैं, लोन पेयर है तो लोन पर रखते चलना, लोन पर रखते चलोगे शेप आपको मालूम होते जाएगा, शेप दिखता है बेटा, रटना नहीं है, ठीक है ना, रटना नहीं है कि इसका शेप क्या है, इसका शेप क्या है, रटना नहीं, नहीं सबको क्लियर है क्या, बेटा अब लास्ट, अब है सबसे आखिरी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हेडिंग डालेंगे बेटा sp3d3 सर, हाँ बेटा सर, जो pcl5 सॉलिड दिए थे उसमें बोले थे कि एक का sp3 होगा और एक का sp3d2 होगा, पर सर sp3d तो फिर कब होगा बेटा, वो निकले pcl5 लिक्विड स्टेट में होगा ना, वो उसकी बात, pcl5 लिक्विड होता है लेकिन जब वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है ना, तो सॉलिड तो आई कंपाउंड बना देते हैं, हां तो वो pcl4 प्लस एंड pcl6 माइनस में एग्जिस्ट करता है, मतलब इस आयन पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो pcl5 सॉलिड है जो मैंने बोला PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, और बाकी जो हमने बनाया था स्ट्रक्चर वो PCl5 लिक्विड था, ठीक है बेटा, ठीक है ना, चलिए sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में बेटा सबसे पहले केस फर्स्ट एंड केस, दो ही केस है बेटा इसमें, कितना आसान, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ठीक है ना, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, बॉन्ड पेयर कितने, एक तीन एक चार तीन सात, सात बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर, लोन पेयर एक जो होगा वो क्या होगा, छह बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, तो सुनो बेटा दोनों में शेप अलग अलग होता है,
दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग, ये एक बात ऐसा है प्रश्न बेटा, ज्योमेट्री भी अलग अलग होती है इसमें, इन दोनों की ज्योमेट्री भी अलग अलग होती है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो ऐसा होता है, ठीक है ना, कैसा, ये है कितने सात है ना, ये सेंटर है बेटा, एक दो तीन चार पांच ऐसा, ये ऐसे बेटा, ये पेंटागोनल लाइक ऐसा, और एक पेंटागोनल और एक ज्योमेट्री और यही इसका शेप है, यहाँ पर ज्योमेट्री और शेप एक ही बार, जबकि यहाँ पर अगर देखें तो ब्रॉन पेल सिक्स और लोन पेल अगर एक है तो बेटा इसके लिए ये होता है, इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो ये ऑक्टाहेड्रल होता है बेटा, ये ऐसा, ये हो गया ब्रॉन पेल, छह बॉन्ड पेयर हो गया, हाँ यस सर, तो उधर बेटा यही पे ऐसा, ये ऐसा होता है, ये ऐसा एक लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर आने की वजह से ना बेटा जैसे ही लोन पेयर आया रिपल्शन बढ़ जाता है, रिपल्शन बढ़ जाता है तो ये सारे के सारे जो बॉन्ड पेयर है ना ये इधर उधर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, अरे समझ पा रही क्या, तो यहाँ पर जो शेप बनता है वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं बल्कि इररेगुलर ऑक्टाहेड्रल, या फिर बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, सबको समझ में आ रहा है क्या, मतलब ये जो बॉन्ड yes. ये ना ये क्या हो जाएगा बेटा, इधर झुक जाएगा, इधर ये झुक जाएगा, इसको ये भी थोड़ी इधर, तो यहाँ पे जो शेप मिलेगा वो रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं मिलेगा बल्कि क्या मिलेगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, सबको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल मुझे बताएंगे बेटा ना, इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, IF7 सात बास IF7 और बेटा इसका एग्जाम्पल, XEF6 सात बास XEF6 यस, दिख रहा है सबको, Yes, sir. बस इतनी सी बात है बेटा, क्वेश्चन मुझे बता रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखो क्या, बेटा XEF6 में इसके लिए हो जाएगा ज़ेनॉन, ये ज़ेनॉन है, ये एक F, दो F, तीन F, चार F, पांच F, छह F, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये आयोडीन है, ठीक है बेटा, यस क्वेश्चन लिखेंगे, विच स्पीसीज, ठीक है ना बेटा, विच स्पीसीज हैव नॉट रेगुलर ऑक्टाहेड्रल शेप, सो नॉन रेगुलर बॉन्ड लेंथ, हाँ बेटा यहाँ पे तुम लोग बोलेंगे नहीं, हाँ बेटा यहाँ पे भी बॉन्ड लेंथ सबका सेम ही रहता है, यहाँ पे भी सबका बॉन्ड लेंथ नहीं, यहाँ पे नहीं होता, सबका सेम ही रहता है, ठीक है ना, चलो सबके साथ एटम भी सेम है, हाँ लिखेंगे बेटा, विच स्पीशीज, विच स्पीशीज हैव नॉट रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, चलो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा SF6 PCl6 माइनस, ठीक है, AS, अच्छा रुक जाओ, SEF6 तीसरा ऑप्शन, ये दोनों क्या है बेटा, हाँ सात बार, ये दोनों दोनों क्या है, ये भी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, ये भी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, ये क्या बेटा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है बच्चों, यस सर, सर एक एक से ना एक लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर प्लेनर शेप प्रेजेंट
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड. ठीक है बच्चों, एक काम करना, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन लिख लेना तो मजा आएगा. स्क्वायर प्लेनर शेप प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन. तो इसमें कम से कम हमको कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्वेश्चन से मिलेगा. बेटा इसको इधर चलो. फर्स्ट ऑप्शन बेटा, फर्स्ट ऑप्शन है नंबर वन sp3d. ठीक है ना. सेकंड ऑप्शन है dsp3. थर्ड ऑप्शन है क्या बेटा? बेटा एक काम करो, इसको एक शेप कर लिखो, इसको एक प्लेनर ज्योमेट्री लिखो. ये हो गया जो बात एसपी थ्री डी की वही बात डीएसपी थ्री की. ठीक है ना. बस इसमें आउटर डी यूज होता है, इसमें इनर डी. sp3d2 का होता है बेटा ये, लेकिन dsp2 का होता है स्क्वायर प्लेनर. तो होता है बेटा ये स्क्वायर प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री होती है. और इनके बारे में dsp2 या dsp3 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है बच्चों, चलिए ये हो गया. जल्दी बताओ. स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2. चार पास. ICl4 माइनस क्या है? Cl माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है? ICl3. क्लियर है ना. और ICl3 में बेटा ICl3 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 तीन लोग. 1 2 3 तो कितने लोग बचे? दो लोग कर दो. दो लोग कर सकते हैं और अरे यस और नो. और Cl माइनस अपने इलेक्ट्रॉन इसके एमपी ऑर्डर में रोल करते हैं. कितने सिग्मा? 1 2 3 4 सिग्मा दो बोन पे. अरे ये सो नो. सबको दिख रहा बेटा? हाँ सर. ये हो जाएगा आपका sp 4 सिग्मा दो बोन पे टोटल 6 मतलब sp3d2. सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर. 6 मतलब sp3d2, 5 मतलब sp3 डी, 4 मतलब sp3, 3 मतलब sp2, 2 मतलब sp. ठीक है. बस इतना ही ध्यान रखना, मतलब बहुत आसान है. तो भैया sp3d2 है, दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर तो हो जाएगा स्क्वायर. फटाफट ऐसा बनता तुरंत sp3d2 तुरंत याद होना चाहिए आपके. ये ऐसा कुछ ऐसा बनेगा, लोन पेयर को यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, शेप मिल जाएगा आपका स्क्वायर प्लेनर. जो दिख रहा है वही है स्क्वायर प्लेनर. और हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3. क्लियर है बच्चों? यस सर. चलिए अच्छा बेटा, अगर हम लोग NH3 अमोनिया NH3 और BH3 को 1:2 वही H3 को 1:1 में लेते हैं, ठीक है ना. इसमें एडिशन कंपाउंड बनता है क्या? NH3 NH3 डॉट BH3. ये डॉट मतलब कहने के मतलब इनके बीच में बॉन्ड बनता है ना. ये डॉट है, ये डॉट पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ना 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 ना, ना, ना. हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड सब बस. तो ये कुछ ऐसा, ये ऐसा, ये BH3. तो सुनो मेरी बात, देखो इधर क्या होता है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बोरॉन के एम्पिटेंटर देता है. BH3 में सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर BF3 लेते हैं. तो इससे BH3 भी सही है ना, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन मैं BF3 मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है. BF3 में क्या होती है? बैक बॉन्डिंग. बेटा बैक बॉन्डिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा आपको यहाँ बताना चाहूंगा.
बैक बॉन्डिंग, बी एस नहीं होती बैक बॉन्डिंग। और आपको पहले भी मालूम है, मैंने बताया था कि बैक बॉन्डिंग में क्या होता है। बैक बॉन्डिंग ये होता है कि जो बोरोन है ना, बोरोन इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, अरे यस और नो? यस सर। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। तो देखो, तो बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ये डायमर का फॉर्मेशन कर सकता था, ये डायमर का फॉर्मेशन कर सकता था, लेकिन फ्लोरीन के पास क्या था बेटा? लोन पेयर। और बोरोन के पास था एम्प्टी ऑर्बिटल। बोरोन के पास क्या है? एम्प्टी, एम्प्टी क्या बेटा? ऑर्बिटल। और फ्लोरीन के पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर, तो ये क्या करता है लोन पेयर? ये फ्लोरीन करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसके बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल में इस तरीके से क्या करता है बेटा? डोनेट करने की कोशिश करता है, बैक बॉन्डिंग करता है, और बैक बॉन्डिंग करके बोरोन के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरी करने की कोशिश करता है। समझ पा रहे क्या? ऐसा नहीं है कि BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट है, BF3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन हाँ, BF3 में बैक बॉन्डिंग की वजह से बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी होने की कोशिश होती है। समझ पा रहे क्या बेटा? जब फुलफिल होने की कोशिश होती है, समझ पा रहे क्या? Yes, तो जब तो ध्यान सुनना, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ध्यान सुनना बेटा, मैं एक बार वर्बली बता दूं, बाद में भी आएगा बेटा। बी एफ थ्री में बी एक स्पीसीज है, बी एफ थ्री और एक स्पीसीज है, ठीक है ना बेटा, एन एच थ्री डॉट बी एफ थ्री, इसमें ठीक है ना, इसमें कौन सा बी एफ का बॉन्ड लेंथ बेटा ज्यादा है, जिस कम है? तो बेटा अगर हम बात करें, ये इस बी एफ थ्री में बी एफ बॉन्ड लेंथ की और एन एच थ्री बी एफ थ्री में बी एफ बॉन्ड लेंथ की, तो बेटा बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होता है? क्या दोनों का सेम होता है, इक्वल होता है, या इसका ज्यादा होता है या इसका ज्यादा होता है? ये फर्स्ट ऑप्शन इसका बेटा, बी एफ थ्री का बी एफ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। क्वेश्चन एक और बार बोलेंगे क्वेश्चन एक और बार बोलेंगे NH3 के साथ। हाँ, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुनेंगे बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है, बी एफ थ्री में हो रहा है बैक बॉन्डिंग, है ना, चलो सिंपल सी बात मैंने बताया, इसमें बैक बॉन्डिंग है, इसके बारे में मैंने कोई भी आइडिया आपको नहीं दिया है, दूंगा ये क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन ये है कि बी एफ थ्री में BF3 में हम देख रहे हैं BF बॉन्ड लेंथ, सपोज ये L1 है, और NH3 BF3 में अगेन BF बॉन्ड लेंथ देखें तो मैं बोलता हूं L2। तो अब मुझे बताएंगे L1 और L2 का रिलेशन क्या है? L1 is equal to L2, L1 बड़ा है या L1 L2 बड़ा है? L2 या L2 is greater than L1? तीसरा वाला, L1 is equal to L2, first तीसरा वाला सर, तीसरा वाला answer first नहीं, first नहीं सर, L1 ना छोटा होगा L2 से, L1 छोटा, L1 छोटा होगा, हाँ third third, हाँ सर answer सही है, हाँ साफ पास। तो चलो एक बार फिर से बेटा देखो क्या होता है ना, यहाँ पर ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तो बाद में आपको याद रहेगा, बाद में हम पढ़ेंगे ही इसके बारे में ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्बली फिर से, ये NH3 बेटा, NH3 ये H, ये H, ये H, इसके पास है लोन पेयर। BF3 में क्या होता है, ये एक F, ये दो F, ये तीन F, ठीक है ना। अगर BF3 अकेला था तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरा कर रहा था, लेकिन जैसे ही क्या आगे बेटा, उसमें अमोनिया हमने डाल दिया, तो अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करता है, अमोनिया अब हमने डाल दिया उसमें, ठीक है ना, तो अमोनिया क्या करता है कि भैया मेरे पास एक लोन पेयर ऑलरेडी है ही, बोलो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और तुम्हारे पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो क्यों ना मैं ही तुमको दे दूं, कि नाइट्रोजन होता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इस तरीके से क्या करता है, डोनेट करता है। तो जब ये डोनेट करता है तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो जाती है बेटा, पूरी हो जाती है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है यहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, नहीं होता, तो यहां पर बेटा नो बैक बॉन्डिंग। तो जब ये बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, नो बैक बॉन्डिंग, तो जब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होता है बेटा, प्रेजेंट होता है। अरे समझ पा रहे हो क्या? और पार्शियल डबल बॉन्ड बेटा, जो जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे, वो वहां पे भी है ना, यहाँ पे रेजोनेंस होगा ना, पता है ना, ये इधर तो ये इधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इधर इधर, सारे के सारे बीएफ बॉन्डिंग सेम होते हैं, ऐसा मत बोलना कि सर जो भी बैक बॉन्डिंग कर रहा है उसी का कम, बेटर सारे के सारे बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये जब कर रहा है एक बार ये कर रहा है एक बार ये कर रहा है, आप इसको रेजोनेंस से समझ सकते हो। अरे हाँ ना बोलो भाई, yes,
जब बैक वार्निंग करेगा तो कुछ ऐसा बनेगा ना, तो ऐसा बनेगा जिसमें रेजोनेंस भी होगा। अरे हाना बोलो यार। यस सर। ऑल बीएफ बॉन्ड लेंथ आर सेम, ध्यान रखना ऑल बीएफ बॉन्ड लेंथ सेम इन बीएफ थ्री, ठीक है ना। ऐसा नहीं किसी पर्सन किसी में ही बैक बॉन्डिंग हो रही है, सब में बैक बॉन्डिंग हो रही है, इसको आप रेजोनेंस से समझ सकते हो बेहतर। तो कहने का मतलब ये कि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होने की वजह से ये वाला जो बीएफ बॉन्ड लेंथ है ये छोटा होता है इस वाले बीएफ बॉन्ड लेंथ से, एल टू इज ग्रेटर देन एल वन। अरे ध्यान में रहेगा क्या? यस सर। हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन से कनेक्शन क्या है इसका? चलो एक बार फिर से बेटा मिटाऊंगे इसको, इतना को इसको डब्बे में बंद कर लेना, इसको एक डब्बे में बंद कर लेना। कर लिया? चलो अब सुनेंगे मेरी बात। हाइब्रिडाइजेशन से क्या कनेक्शन बेटा? देखो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, bf3 का है sp2। अरे हाँ ना बोलो, जब जैसे आप दोनों में मिलते हैं बेटा, इन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 sp3। क्लियर है क्या? Yes, sir. बोलो भाई। हाँ सर। क्या ना? ये कहानी। बस इतनी सी बात है, और भी एक्स्ट्रा आपको बोले तो इसका शेप क्या था? पिरामिडल, इसका शेप क्या था? प्लेनर। लेकिन जैसे ही पहुंचा बेटा, ठीक है ना, अगर पर्टिकुलर किसी एक एटम के बारे में बात करें तो यहाँ पर अमोनिया का शेप क्या होगा बेटा? टेट्राहेड्रल। यहाँ पर बोरोन के लिए भी अगर बात करें तो वहां भी शेप जो होगा उसका टेट्राहेड्रल। क्लियर है क्या? तो ये हमारा क्या बच्चों? सर अपन ऐसे जनरली देखे तो सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है कि पाई बॉन्ड का? क्या सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बेटा सिग्मा और पाई में बात कर रहे हो आप लोग? हाँ सर। सिग्मा का ऐसे जनरली देखे तो यार सिग्मा और पाई का तो बॉन्ड लेंथ सेम ही होता है ना, उसी का सिग्मा उसी का पाई। यार अब जैसे सी, अब ऐसे कभी नहीं पूछता इसका सिग्मा इसका पाई, इसका सिग्मा इसका पाई, ऐसे नहीं पूछा जाता। बेटा दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या होता है? दोनों की इंटरन्यूक्लियर का डिस्टेंस। तो बेटा हाँ सर, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की बॉन्डिंग आपको ना ऐसा बोले, आपको ये डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई का बॉन्डिंग नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा डबल बॉन्ड और इसका किसी के साथ सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंगल नहीं डबल, ऐसा बॉन्ड पूछा जाए। अगर इसमें पूछ दिया, अगर इन दोनों में पूछ दिया ये सिग्मा ये पाई, तो बेटा दोनों का बॉन्डिंग सेम है। और सर अगर ऐसे पूछा, जैसे अभी आप बोल रहे थे कि ऐसे पूछेगा करके, मतलब एक और साथ में सिग्मा लगा दो और उसमें फिर पूछेगा, तो क्या बोलेंगे किसका ज्यादा है? बेटा इसमें तो बेटा ये सिग्मा और ये पाई ऐसा, हाँ इसका सिग्मा और इसका, ऐसे नहीं पूछता बेटा, ऐसा कभी पूछा ही नहीं है। तो अगर देखे तो, अगर देखे तो मत पूछे भले, पर अगर देखे तो किसका ज्यादा? बेटा इसका ज्यादा होगा, इस सिग्मा का ज्यादा होगा। क्यों? अब कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे यार इसका डेटा देखना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं बोल सकता सर, क्योंकि सर मैं ये लगा रही थी, सर मैं ऐसे कॉन्सेप्ट लगा रही थी कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा मतलब वीक। ना देखो बेटा, देखो ये नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल बात है, ये जो बोल रहे हो ना, जो लॉजिक लगा रहे हो ये नॉर्मल है। लेकिन बॉन्ड बेटा ये जो है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ कहने का मतलब है, बॉन्ड स्ट्रेंथ नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे भी तो डिपेंड करता है। तो नेचर बेटा तो यहाँ पर ओवरलैपिंग वीक है, इसलिए ओवरलैपिंग वीक था, इसलिए पाई बॉन्ड वीक, इसमें ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग था। तो बॉन्ड तो बेटा यहाँ पर ऐसा कोई हमको डेटा नहीं है कि पाई बॉन्ड का किसी दूसरे पाई किसी दूसरे के साथ जो है वो कौन सा आइटम, ये भी डिपेंड करेगा कि कार्बन और इसके साथ पाई बॉन्ड है, ये कार्बन और कौन सा आइटम इसके बारे में बात करेंगी। तो नॉर्मल अगर बात करें बेटा, तो कभी भी पूछा जाएगा तो ये डबल और ये सिंगल ऐसे पूछा जाएगा, इस डबल के पाई के बारे में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि उसके डेटा हमारे पास नहीं है अभी, हमारे पास मतलब हमारे बुक में, हो सकता है हम इंटरनेट पर सर्च करें तो मिल जाए, तो उसी डेटा के हिसाब से अपन देखेंगे कि किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। ठीक है क्या?
और सर ये वाला जो क्वेश्चन था सर, रुके रुके बताइएगा मान, तो जो ये वाला क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया तो बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटा हो गया। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बड़ा हो गया। जो फंडा है ना आप इसमें भी कर सकते थे जो भी पूछा क्वेश्चन। एक बात बताओ, कहने का मतलब है आप किसी को पकड़ते हो तो आप कोई जैसे कोई शेर है टाइगर है उसको आप पकड़े किसी रस्सी से, ठीक है ना, तो वो ज्यादा अच्छे से पकड़ पाओगे जब आप एक सिंगल रस्सी से, कि जब आप उसमें डबल रस्सी मारोगे तो ज्यादा से पकड़ पाओगे। डबल रस्सी ग्रिपिंग ज्यादा होगा ना, और ग्रिपिंग ज्यादा होगा तो टाइट करोगे तो आप की तरफ थोड़ा नजदीक आएगा, मेरी बात समझ। और सिंगल रस्सी से बंदा होगा तो दूर भाग रहा होगा। हाँ, दो लोग बोल सकते हो यार, एक बंदा किसी को पकड़ रहा है दूसरे तरीके से, तो मतलब सीधे से बात बोलो कि उनकी जब वो दो बॉन्ड होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिएक्शन ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग कम होगा ना। जी सर, समझ पा रहे हो क्या? हाँ सर। बेटा जैसे आप रिलेशन देख लो किसी के साथ, जैसे कोई जैसे होता ना, मैं ऐसे कई देखते, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनके पापा भी भाई भाई हैं और मम्मी भी भाई भाई हैं, है ना। ऐसे होते हैं ना बेटा, तो उन दोनों भाइयों के बीच में जो कजन होते हैं उनके भाई उनके बीच में बॉन्ड जो होते हैं बेटा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, होता है, होता है सर। हाँ, तो बस वही कहानी, डबल रिलेशन। यस सर, डबल सर। अब वो जो मेरे फ्रेंड है जो है वो दोनों एक दूसरे के पापा को भी, उसको भी पापा बोलते हैं, वो उसको भी पापा बोलते हैं, उसको भी मम्मी, उसको भी मम्मी। मेरे को समझ भी नहीं आता कि पापा, जब भी वो बात करता है कि मेरे पापा के पास जाऊंगा तो मैं कौन से पापा के पास, तो मतलब कंफ्यूजन हो जाता, तो बड़ा उनके साथ में ना पापा वन या पापा टू। हाँ, पापा वन या पापा टू, सिग्मा की पाई है ना। चलो तो बेटा ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कम्प्लीट होता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताएंगे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताएंगे बेटा। बॉन्ड एंगल NO2 प्लस, NO2 प्लस, ठीक है ना, NO2 और NO2 माइनस में, NO2 और NO2 माइनस में बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताएं बेटा, प्लीज। चलिए सर फास्ट अरेंज करें, NO2 प्लस, NO2 एंड NO2 माइनस। अरे 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 भाई क्या यार, NO2 माइनस का शेप बनाओ, बनाओगे नहीं बनाओगे? अरे भाई बना लो, तो ये फाइनली क्या हो गया बेटा? सर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है। हाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना बोल रहा हूँ। अच्छा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज्ड है। हाँ डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग decreasing शाबाश decreasing very good बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और ये NO2 plus क्या होगा बेटा? NO2 plus में ये हो जाएगा ये O double bond O और ये plus, इसका overall charge है plus। yes sir बेटा, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो यहाँ पे plus लगा दो, जहां से लगा हुआ है सर, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बॉन्ड एंगल कितना बेटा, 180 डिग्री। अरे हाँ ना बोलो भाई। yes. बेटा याद करो इसका बॉन्ड एंगल कितना बताया था मैं? 132। बार बार मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ बार बार कि आप लोग उसको याद हो जाए। अरे ठीक है ना, ये एक्सेप्शनल केस था जिसमें जिस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। इसका क्या होगा, कम होगा। अरे ठीक है क्या सर, ये करवाए पहले भी शायद। हाँ करवाया है ना, उसी को तो पूछ रहा हूँ बार बार, करवाया है शायद, नहीं करवाया ही है। इसका भी sp2, इसका भी sp2, दोनों का शेप एंगुलर है ना। यस सर।
ठीक है जी सर। बेटा NH3 और कुछ चीजें और सुन लो, NH3 और H2O अमोनिया और वाटर दोनों के दोनों ना एम्फोटेरिक होते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें, अमोनिया और वाटर जो होते हैं बेटा H2O, अमोनिया एंड वाटर ये दोनों के दोनों ना एम्फोटेरिक, दोनों दोनों क्या है एम्फोटेरिक इन नेचर। कैसे बेटा? ठीक है, अमोनिया जो है सुनना पहले इसके बारे में बात करते हैं। अमोनिया जो है ना बेटा NH3 जो है ना ये H+ एक्सेप्ट भी करता है, जब H+ एक्सेप्ट करता है तो NH+ बनाता है, ठीक है ना, ये NH+ H+ एक्सेप्टर भी है। और दूसरा क्या बेटा, ये H+ बेटा डोनेट भी करता है। अगर हम लोग बात करें NH3 जो होता है तुरंत जाता है H+ NH2- में, बटर बेटा कहने का मतलब है कि वाटर में H+ देगा भी या फिर H+ लेगा भी, इसलिए ये एम्फोटेरिक है। वाटर की मैं बात करूं तो अगर मैं H2O की बात करूं, H2O का तो H2O भी बेटा वाटर में क्या कर, जैसे हम लोग H2O की बात करें तो ये भी H+ देता है। बात करें तो H2O जो है बेटा ये H+ एक्सेप्ट भी करता है, H+ एक्सेप्ट करके H3O+ बनाता है। दूसरा क्या, H2O जो है बेटा ये डिसोसिएट हो जाता है H+ और OH- में। तो ये जो वाटर है बेटा ये भी एम्फोटेरिक नेचर शो करता है और NH3 दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर क्या करते हैं बेटा शो करते हैं। क्लियर है क्या? चलिए जैसे वाटर को हमने जब पानी में डालते हैं बेटा, वाटर को हम लोग पानी में डालते हैं ना, वाटर को ये इसमें सेल्फ आयनाइजेशन भी होता है, ठीक है ना। अगर वाटर को एसिडिक मीडियम मतलब वाटर में एसिडिक मीडियम है H+ है तो H+ को एक्सेप्ट करके क्या हो जाता है बेटा ये सेल्फ आयनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल्फ आयनाइजेशन हो जाता है और ये वाटर जो है H3O+ OH- में आयनाइज हो जाता है। समझ पा रहे हैं क्या जी सर? ठीक है, या फिर बेटा या फिर ये दो मोल वाटर आप इसको ऐसा बोल सकते हो, वाटर जो है ना दो मोल है ना, दो मोल वाटर आपस में ही मिलकर सेल्फ आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है ना, H3O+ OH-। समझ पा रहे हैं क्या? तो इसमें सेल्फ आयनाइजेशन होता है, मतलब ये H+ एक वाटर जो है इसने H+ एक्सेप्ट किया है, दूसरा क्या किया, दूसरा ने क्या किया H+ डोनेट किया है। तो वाटर जो होता है बेटा एक ने डोनेट किया एक ने एक्सेप्ट किया, मतलब क्या है वाटर एम्फोटेरिक होता है। बात समझ पा रहे हो क्या? Yes, sir. अच्छा, और सेम कहानी अमोनिया का भी है बेटा, सेम कहानी अमोनिया का भी है, देता भी और लेता भी। हाँ, बस इतनी सी बात है, ठीक है जी सर। दो मोल अमोनिया भी सेल्फ आयनाइज हो जाएगा बेटा NH4+ में और NH2- में, ठीक है। तो H2O तो न्यूट्रल ऑक्साइड है ना? हाँ हाँ, न्यूट्रल होता है वाटर, न्यूट्रल होता है H2O, न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऑक्साइड है तो वो किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्या बेटा? आयनाइजेशन अलग चीज है बेटा, दो मोल वाटर जो है अब अच्छा आप न्यूट्रल बोल रहे हैं तो सर H+ क्यों देगा या H+ क्यों एक्सेप्ट करेगा ये बोल रहे हो क्या? यस, कॉमन बात बेटा, कॉमन बात की वाटर न्यूट्रल है लेकिन ये ऐसा भी कर सकता है। समझ पा रहे हो क्या? इसलिए ये एम्फोटेरिक होता है। चलो तो ये कहानी है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, वेस्पर थ्योरी, बी एस ई पी आर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए तो यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त। बेटा पेपर में टेस्ट पेपर में यहीं तक आपका आएगा, ठीक है, जहां तक मैंने अभी पढ़ा है, ठीक है बच्चों? यस सर। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों।